السلام عليكم وعليكم السلام زينب जी कैसे हैं सब सब ठीक हैं खुशबाश हैं वेरी गुड वेरी गुड एंड हाउ इज द मोराल अलहमदुल्ल जी मैं ठीक हूं हाई है गुड गुड

अगर मजबूरी है तो फिर कुछ कह नहीं सकते वरना ओके नहीं है ओके यही है कि डेली के घंटे आप इस काम को दें बेस्ट जो प्रैक्टिस है वो यही होगी सर ये जो के लिंक सेंड करनी थी वो गूगल डॉक्यूमेंट में जो आपने गिग की लिंक नहीं थी भाई गूगल डॉक्यूमेंट की ही लिंक थी गूगल डॉक्यूमेंट पे आपने अपना गिग का मटेरियल प्रिपेयर करना था अभी असाइनमेंट ओपन करते हैं ना तो सारा कुछ क्लियर होता जाएगा आपको भी आइडिया हो जाएगा जिन जिन्होंने सबमिशन नहीं की उनको भी आइडिया हो जाएगा कि क्या गलतियां हैं जी सर्कल की असाइनमेंट ना कर सका आज मैं लाजमी सबमिट कराऊंगा अच्छा जी प्लीज मेक मी को होस्ट जी मामून आपको मैं को होस्ट बना रहा हूँ जी मामून आपको होस्ट है। थैंक यू जाहिद आप कंटिन्यू करें मैं फिर मिनट्स के बाद जब मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स uh, आ हैं मुझे कुछ एक दो तो चीजें डिस्कस करनी है तो उस वक्त मैं जो हूँ अनम्यूट uh, करके uh, बात कर लूंगा स्टूडेंट से तो तब चले. तक आप कंटिन्यू कर लें जब मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स आते हैं ठीक हो गया ठीक हो गया जी सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है इसलिए असाइनमेंट नहीं कर सका आज मैं इनशाला सबमिट जी जी बिल्कुल सबमिट कीजिए लैपटॉप नहीं है तो डेस्कटॉप पे काम करें सर अपने फेसबुक ग्रुप बनाने का कहा मैंने कब कहा था भाई फेसबुक ग्रुप बनाने का हमजा इम्तियाज हाँ जी मैंने कहा था जब टी को मैं इंक्लूड करूंगा ग्रुप के अंदर यहाँ पे टी को लेके आऊंगा और ये एक दो दिन के अंदर हो जाएगा टीए आ जाएंगे आपके सारे तो फिर आपके छोटे छोटे ग्रुप्स बनाऊंगा जहां पे आप अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे अभी चूंकि आपने गिग बनानी शुरू की है तो अभी तो मैं ही उसको चेक कर लूंगा जैसे आपके प्रोफाइल्स बनना शुरू होंगे किसी को प्रोफाइल बनाने में इशू हो रहा होगा किसी को कोई चीज में इशू आ रहा होगा तो फिर वो सारे जो टीएस हैं वो मिलके जी टेक्निकल असिस्टेंट होंगे वो भी एक तरह से आपके ट्रेनर ही होंगे वो आपके सीनियर समझ लें Uh, समझ लें आपके बैच uh, uh, से सीनियर uh, जो हैं वो uh, होंगे और वो लोग जो हैं ऑलरेडी फ्री हैं और अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं वो uh, जिन चीजों को वो सीख चुके हैं वो उन चीजों में आपकी फिर रहनुमाई करेंगे सर आई शेयर माई गिगलिंग डेस्कटॉप पे लाइट मसला आता है आज मोबाइल बना के सबमिट करूं, करूंगा असाइनमेंट जी मोबाइल पे मैंने पहले अगेन अगेन यही कहा है कि प्रोडक्टिविटी जो है आपकी वो बहुत कम होती है मोबाइल के अंदर आप कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो आप कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हो ठीक है तो छोटी सी स्क्रीन है और टच स्क्रीन है और फिर उसमें आप ये चीजें ओपन विंडो है ब्राउजर जिस तरह से यहाँ पे चलता है ठीक है और अगर आप ग्राफिकल कोई काम करना चाहते हैं तो वो भी आप नहीं कर सकोगे काफी सारी चीजें वहां पे आपको आ, मतलब कर देती हैं लिमिटेड कर देती हैं लेक्चर सेवन अपलोड नहीं किया बिल्कुल किया मैंने रात बारह एक बजे मैंने लगा रहा हूं असल में लेक्चर अपलोड होता है तो टाइम ले जाता है तो वो दरमियान में अगर कोई नेट इंटरप्शन आ जाए तो वो वहीं पे रुक जाता है काम तो कल कर दिया था मैंने लेक्चर अपलोड आप जरा ग्रुप में देखें अपलोड हो गया था और ये आज आ, या कल जो है ये सारे डिलीट भी हो जाएंगे और फर्दर जो है आप लोगों की असाइनमेंट का जो सॉरी ये जो अटेंडेंस है इसको बड़ा स्ट्रिक्ट किया जा रहा है तो आपने स्ट्रिक्टली जो है इसको फॉलो करना है अटेंडेंस आपने डेली लेक्चर जो है वो आपने लाइव लेना है और अभी देखे टाइम जो है वो दस बज के आठ मिनट है और अभी भी हमारी जो पूरी क्लास जो आती है रेगुलर वो अभी तक भी नहीं पहुंची सर प्लीज हेल्प मी मैं स्किल चूज नहीं कर पा रही के कौन सी स्किल को चूज करूँ और उस पर काम देखें कंटेंट राइटिंग तो आपको मैंने समझा दी है ठीक है तो आप कॉन्टेंट राइटिंग पे काम शुरू कर दें कॉन्टेंट राइटिंग पे आप काम कर सकती हैं और उसके अलावा फिर आप अपने आपको कंघालें आप के अंदर भी कोई ना कोई स्किल जरूर यार सीवी बनाना को मुश्किल काम है मुझे ये बताओ सीवी तो आप बना सकते हो ना डेटा एंट्री को मुश्किल है टाइप टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करना तो वो आप काम कर सकते हो ठीक है और जनाब फाइल कन्वर्जन जो है वो कौन सा मुश्किल है अगर एक्सेल की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ता है या वर्ड की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ता है तो वो कौन सा मुश्किल काम है इस तरह के काम और नहीं तो उधर ही चले जाएं वो जो लाइफ स्टाइल वाली गिग्स हैं वहां पे आपको इतने काम मिल जाएंगे जी तो ऐसा ऐसे इतने सारे काम हैं अब भी अगर आप ये कहें कि जी मैं कुछ नहीं कर सकता तो फिर इस पे मैं क्या कहूं वट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल राइटिंग कॉपी राइटिंग एंड कॉन्टेंट राइटिंग जी कंटेंट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग एक ही चीज है ठीक है विल uh, अच्छा मैं अब आपको ना थोड़ा सा समझा दूं कि कंटेंट क्या है कंटेंट बेसिकली uh, किसी भी किस्म के मवाद को इंफॉर्मेशन uh, को डाटा को हम कंटेंट बोल देते हैं ठीक है वो रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है और वो ऑडियो की फॉर्म में जैसे मैं अभी मैं बोल रहा हूँ आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ ऑडियो ठीक है ये ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है वीडियो फॉर्म में हो सकता है ठीक है ये सारे कंटेंट की किस्में हैं ठीक है ये सारा कंटेंट है वीडियो भी कंटेंट है ऑडियो जो मैं ये बात कर रहा हूँ आप तक पहुंच रही है ये भी कॉन्टेंट है इन्फॉर्मेशन है ठीक है इसी तरह से अगर मैं आर्टिकल लिख के आपको दे देता हूँ तो वो भी कॉन्टेंट है ठीक है तो कॉन्टेंट एक थोड़ा सा ना ब्रॉडर सा वर्ड है ब्रॉडर सी टर्म है और जो कंटेंट राइटिंग जब राइटिंग की बात आती है तो कंटेंट वो लिखा हुआ ही होगा ठीक है तो आर्टिकल राइटिंग और कंटेंट राइटिंग बिल्कुल सेम चीज है ठीक है और अगर हम सिर्फ कंटेंट की बात करें तो कंटेंट में ऑडियो भी आ जाता है ठीक है जिस तरह म्यूजिक है गाने हैं या कोई स्पीच है या जो भी ऑडियो फॉर्मेट में आपके पास कोई चीज पड़ी है या आपके पास पहुंच रही है या उसकी हम मार्केटिंग वो तो कंटेंट में ही आ जाती है वो चीजें ठीक है और वीडियो कोई फिल्म है कोई गाने हैं ठीक है, है? वीडियो कोई लेक्चर है तो वो भी कंटेंट की जो है वो एक किस्म है और जो आर्टिकल हैं इमेजेस जैसे हैं वो भी कंटेंट की किस्म है ठीक है तो ये सारा कॉन्टेंट है सर अगर हम एक से दो या तीन स्किल में एक्सपर्ट हों जी जी बिल्कुल फिर तीन स्किल्स में आप अपना जो है वो बना सकते हैं गिग बना सकते हैं ठीक है आज हमारा जो एजेंडा है क्लास का वो ये होगा कि हम आप लोगों की इस असाइनमेंट को जो गिग आपने भेजी है ठीक है थर्टी नाइन जो लोगों ने हमें ये किया है असाइनमेंट कंप्लीट की है और फर्दर जो इमेजेस हमें भेजे हैं आप लोगों ने उनको हम करेंगे क्लास में डिस्कस ठीक है इस तरह से हम जो है वो चलते हैं फेसबुक के ऊपर और जनाब आपके ग्रुप में चलते हैं हम ठीक है ये ग्रुप में हम आ गए और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ठीक है हाँ जी हाउ टू सबमिट अच्छा सबमिट का तरीका आपको नहीं आ रहा सिंपली सबमिट करवाने का वे ये था कि इस लिंक पे आप क्लिक करते ठीक है इस लिंक पे क्लिक करने के बाद यहां पे नाम पुट करते अपना यहां पे अपना वो जो सी एन आई सी नंबर है वो अगर पुट करना था वो कर देते ठीक है और यहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंट का लिंक होता है जैसे ये इन लोगों ने किया है आ, ये देखिए अब ये लिंक है अब ये मोहम्मद कासिम अ जो है इन्होंने खटक साहब ने अपना नाम लिखा और अपना सी एन आई सी लिखा और उसके बाद वो लिंक जो था आ, वो लिंक जो जो इन्होंने जहां पे अपनी गिग का मटेरियल जहां पे इन्होंने रखा जैसे ये इन्होंने डॉकल मैंने डॉक्यूमेंट बनाने का तरीका आपको बता दिया था और इसको मैंने एक्सेस देने का भी वे बताया था अपने लेक्चर के अंदर कि किस तरह से आप मुझे इसकी एक्सेस देंगे अब ये मैंने ओपन किया है तो यहाँ पे इन्होंने अपनी गिग लिख रखी है यहाँ पे इन्होंने टाइटल लिख रखा है फिर उसके बाद उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिख रखी है उसके बाद जनाब डिस्क्रिप्शन में बुलेट पॉइंट्स भी हैं और फिर उन्होंने टैग्स को भी यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे लिख दिया अब मुझे ये बताएं कि इसमें क्या मुश्किल थी ये मैंने करके कल दिखाया था आप लोगों को और अगर खटक साहब को समझ आ गई है तो इसका मतलब है कि मैंने सही तरीके से समझा दिया था आपको ये सारा तरीकाकार ठीक है तो बाकियों को भी समझ आ जानी चाहिए ठीक है और अगर जिन जिनको अभी समझ नहीं आई वो वो इसको जो है वो देख लें इस प्रोसीजर को कोई इतना मुश्किल तो नहीं है कल का लेक्चर वैसे देखेंगे आपको समझ आ जाएगी कि ये डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है बस इसका यू फिर कॉपी करेंगे और ये इस फॉर्म के अंदर यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे जैसे ये खटक साहब यहाँ पे ऐसे पुट किया होगा यहाँ पे इन्होंने अपना सी एन आई सी जो भी नंबर है वो लिखा होगा यहाँ पे इन्होंने अपना जो है वो नाम लिखा होगा ठीक है जो भी आपका नाम है तो इस तरह करके फिर इसको सबमिट पे बटन पे क्लिक कर देना ये जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास इस एक्सेल की शीट में ये आप आपका ये सबमिशन जो है इस तरह से मेरे पास अपेयर हो जाएगी ठीक है तो ये ऐसे करके आप अपनी असाइनमेंट को इजीली सबमिट करवा सकते हैं ठीक है थीके? और नेक्स्ट भी जो भी असाइनमेंट इस तरह की होगी उसको इसी तरह से आपने करना होगा क्लियर है ये बात जी अब आपकी असाइनमेंट यहां पे अगर आ गई है तो मिल गई होगी मुझे थर्टी यहाँ पे फोर्टी टू जो है वो सबिशन नजर आ रही हैं जस्ट जी फोर्टी टू सबमिशंस हैं जी और उसके साथ साथ जो है आपकी यहाँ पे इमेज असाइनमेंट है अच्छा आप लोगों ने अपने हैंड भी रेज रखने हैं क्योंकि आप लोगों को आज मैं आ, फुल टाइम जो है वो आपको लेके भी आऊंगा और खास तौर पे जिन लोगों ने अपनी यहाँ पे असाइनमेंट भेजी हुई है उनके माइक भी ऑन होंगे साथ साथ ठीक है क्लास अभी भी जो है वो पूरी नहीं हुई आप लोगों की जो इमेज असाइनमेंट है वो कहां पे गई जी ये आ गई चलो जी कुछ रैंडम जो है इमेजेस को हम यहां से उठाएंगे और उन पे बात करेंगे ठीक है ये कुछ इमेज मुझे जबरदस्त लग रहा है इसको हम देख लेते हैं हाँ जी शहरोज एजाज शहरोज एजाज ने बहुत ही जबरदस्त इमेज बनाया है बहुत ही कमाल मेहनत की है बस एक इसमें मुझे जो है वो फॉल्ट नजर आ रहा है वो ये है कि ये देखें ये जो आपने नोट लिखा है योर सेटिस्फेक्शन इज माई प्रायोरिटी मनी बैक गारंटी इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड ये चीज जो है ये ब्लर हो रही है ये थोड़ा सा ग्राफिकली जो है ये चीज थोड़ा सा फेड हो रही है ठीक है तो इसकी आपने रेजोल्यूशन डाउन की होगी बहुत ज्यादा इस इमेज की उस वजह से ये हो रहा है या फिर आपने पेंट ब्रश के अंदर इसको खोलने की कोशिश की और एडिट करने की कोशिश की है मुझे जहां तक लगता है कोई इस तरह का कोई इशू हुआ है आपके साथ तो ये जो क्वालिटी लो क्वालिटी है ना ये नहीं आपने करनी आइडिया आपका बहुत कमाल है ये आपने बहुत जबरदस्त तरीके से इसको बनाया बस वो जो पेंट ब्रश में आपने खोल के जो कुछ किया है ना इसके साथ या किसी ऐसे सॉफ्टवेयर में इसको ओपन किया है जिसने इसकी अः जो क्वालिटी है इमेज की वो डाउन कर दी है उस वजह से ये टेक्स्ट जो है सार आपस में और ये इवन इमेज भी इसके जो एजेस हैं ये शार्प नहीं लग रहे मतलब ये ग्राफिकली आपने ना इसको डाउन कर दिया है तो इसको आपने नहीं करना इसको दोबारा से आप सेट करें ठीक है या जो आपके पास दोबारा बना लें आ, तो ये ये वाला जो है मजा नहीं आया बाकी आइडिया आपका कमाल है आपने बहुत मेहनत की है दूसरा आपने ये करना है कि ये जो आपने बुलेट पॉइंट्स हैं इनको थोड़ा कम कर लेना है समझ आ रही है इनके जो बुलेट पॉइंट्स हैं इनको आपने थोड़ा कम कर लेना चार पे ले जाए उनको और इनके दरमियान टाइम मैं सुन रहा हूँ बैकलिंक काउंटर ठीक है उसके बाद डोमेन अवेलेबिलिटी मेटा डिस्क्रिप्शन मेटा की वर्ड ये मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आप यहाँ पे क्या चीज जो है वो ऑफर कर रहे हैं क्या कि आप किसी आ, क्लाइंट uh, को की साइट का पूरा जो है वो एनालिसिस uh, करके देंगे उसका SC, uh, आ जाती है ठीक है और मेटा डिस्क्रिप्शन चलो समझ आ गई मेटा कीवर्ड समझ आ गए आर आल्सो इंक्लूड मतलब ये पूरी सर्विसेज जो है वो uh, कोई फोकस सर्विस नहीं है मुझे लग रही अगर आप मौजूद हैं तो मुझे थोड़ा सा आप बता दें अगर आप मौजूद हैं तो शहरोज शहरोज मौजूद हैं क्लास में नहीं है बाकी इमेज की अगर हम बात करें तो इमेज का आइडिया बहुत कमाल है बस आपने गलती ये की है कि उसको डाउन कर दिया रिजल्ट ये देखें यहां पे अब छोटा हो रहा है तो ये नजर ही नहीं आ रहा पढ़ा ही नहीं जा रहा सिर्फ ऐसी रिपोर्ट पढ़ी जा रही है तो इनको भी बुलेट पॉइंट्स को भी छोटी हालत में पढ़ा मैंने कुछ दिन यही आपको समझा रहा था कि जब ये छोटी हालत में आएगा जब ये थंबनेल के फॉर्म में आएगा तो ये पढ़ा जाना चाहिए ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं ये भी पढ़े जाएं और ये जो नीचे लिखा है ये भी पढ़ा जाए तो ये इस पे जरा थोड़ा सा काम करने की जरूरत है जी इसके बाद है जी रकेल रबेल रबेल जी राबेल आपने आ, रबेल मौजूद है जी राबेल मौजूद है ठीक है इस रबेल आपने एक तो ये जो हैडिंग है इसके दरमियान का ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया ठीक है और दूसरा मुझे साइज भी ठीक नहीं लग रहा आपकी लंबाई चौड़ाई में कोई वो वाला नहीं है डायमेंशन जो मैंने बताई थी और ये आपने अपना रबेल सदी असाइनमेंट नंबर वन ये क्यों लिखा है आप ये इमेज बना रहे हो आप अपने फाइवर के गिग के लिए इमेज बना रहे हो ये मेरे लिए इमेज नहीं बना रहे तो ये खत्म कर दो ये चीजें जो हैं ठीक है और एस सीओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल राइटिंग की अगर आप बात करें तो यहाँ पे तो ये आ, आर्टिकल का कोई साइन नहीं है आ, ये डायरी सी पड़ी हुई है खैर आ, ये भी चल जाएगा लेकिन ये बड़ा बड़ा वाजे नजर आना चाहिए और इसके दरमियान में इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता हैडिंग की दो लाइनों में हाई क्वालिटी वर्क ये लिखने की जरूरत नहीं है रिसर्च बेस ये ठीक है ठीक है प्लेजरिज्म फ्री होगा डिलीवरी ऑन टाइम होगी चलो ठीक है तो डिलीवरी ऑन टाइम और ये अगर लिखना ही है यहाँ पे इमेज के अंदर कुछ चीजें लिखनी ही है तो एस के हवाले से जो है वो लिखें कुछ ऐसा बुलेट पॉइंट जैसे एनगेजिंग कॉन्टेंट होगा प्लेजरिज्म फ्री होगा ठीक है और कीवर्ड uh, डेंसिटी जो है वो बैलेंस कीवर्ड डेंसिटी की अगर आप बात कर दें यहाँ पे ठीक है एल एस इंक्लूड कोई इस तरह की बातें करें टेक्निकल चीजें डिस्कस करें यहाँ पे ताकि जो एस आर्टिकल लिखवाने आया वो आपके इमेज से फौरी तौर पे जो है वो मुतासर हो जाए मैंने यही बात की थी उस दिन कि आप उनकी टेक्निकल चीजों को अगर यहाँ पे लिखेंगे जिनसे क्लाइंट को इश्यूज uh, आ रहे हैं राइटर से अः uh, वो अगर आप चीजें उसकी नब्स अगर दुखती रग आप पकड़ोगे अपने क्लाइंट की तो वो ज्यादा आपकी तरफ जो है आपकी गिग की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होगा तो ये दुखती रगें यही होती हैं राइटर जो हैं वो एस ऑप्टिमाइज का नाम तो लेते हैं लेकिन वो एल को इंक्लूड नहीं कर रहे होते उनका कॉन्टेंट एंगेजिंग नहीं होता ठीक है उनका कॉन्टेंट प्लेजरिज्म वाला होता है चले एक बात आपने यहाँ पे ठीक कर दी है ठीक है और रिसर्च नहीं होता ठीक है ये दोनों बातें अच्छी हैं अब हाई क्वालिटी वर्क ये तो बस जो है हर कोई कह रहा होता है तो हर कोई जो बात कर रहा होता है वो आपने नहीं करनी जो सारी दुनिया बात कर रही है वो आपने नहीं करनी आपने कुछ अनोखी बात करनी है तो आपका क्लाइंट आपकी तरफ ज्यादा जो है वो अट्रैक्ट होगा डिलीवरी ऑन टाइम चलो ये भी नहीं यहाँ पे मल्टीपल आप ये कर सकते हैं कि मल्टीपल रिविजन uh, जो है वो आप मैंशन कर सकते हैं और अनलिमिटेड रिविजन का नाम कभी भी नहीं लेना अनलिमिटेड रिवीजन का जब आप नाम लोगे तो फिर आप समझो फंस गए हो मल्टीपल में ये होता है कि मल्टीपल रिविजन की बात आपने की है तो वो एक तरह से लिमिटेड भी हो जाता है आप आप लिमिटेड भी अपने क्लाइंट को कर लेते हो और दूसरी दूसरे एंड से आप जो है आ, उसको आ, मतलब ये भी कहते हो कि काफी सारी रिविजन है मतलब अनलिमिटेड का मतलब है कि वो तो फिर आपके साथ लगा रहेगा ना क्लाइंट वो फिर आपके साथ लगा रहेगा बार बार आपको देता ही रहेगा देता ही रहेगा तो मल्टीपल का वर्ड आप यूज कर लें, वो ज्यादा सूटेबल है ठीक है फिर आप अपनी गिग्स में मजीद जो आप पैकेजेस बनाओगे उसमें आप फिर मेंशन कर सकते हो कि फर्स्ट पैकेज जो है उसमें तीन रिविजन हैं और जो आपका आ, उससे ऊपर वाला जो पैकेज है उसमें आप छह रिविजन कर दो और जो आखिरी वाला जो पैकेज होगा उसमें अनलिमिटेड रिविजन रख दो तो इस तरह करके आप वहां पर चीजें करते हो यहाँ पे आप मल्टीपल रिविजन की बात करो और कभी भी फ्री लांसिंग करते हुए कभी भी फ्री लांसिंग करते हुए आपने ऐसा कोई दावा नहीं करना जिसको आप पूरा ना कर सको ठीक है कोई ऐसा आपने प्रॉमिस नहीं करना क्लाइंट के साथ जिसे आप पूरा ही ना कर सको ठीक है हमेशा वो काम पकड़ना है जिसको आप पूरा कर सको क्योंकि अक्सर मेरी क्लास के कुछ स्टूडेंट पिछले बैचेस के क्या करते थे अः ये एक्सीडेंट अक्सर उनके साथ होता था कि वो कोई ऐसा काम पूरी बुक की जो है वो डेटा एंट्री पकड़ लेते थे और सिर्फ पांच डॉलर के अंदर मतलब पांच डॉलर में पूरी बुक जो है वो छापने के लिए वो एक बच्चे ने जो है वो वर्क पकड़ पकड़ लिया तो इस तरह से नहीं करना आपने वो काम पकड़ना है जो आप कैपेसिटी आपकी कैपेसिटी भी हो और आप कर भी सकते हो ठीक है सर ऊपर वाले कमेंट भी देखें प्लीज ऊपर वाले कमेंट कौन से हैं भाई मैं अभी फिलहाल इमेज को डिस्कस कर रहा हूं और आप इमेज के ऊपर फोकस करें ठीक है आपके माइक में ऑन करूंगा ठीक है हाँ जी सबकी सबकी इमेज तो नहीं देखी जाएगी जो सामने आ रही हैं है पांच सात दस इमेजेस को हम डिस्कस करेंगे अगर सबको दे, देखने बैठ जाएंगे फिर तो दिहाड़ी हमारी इधर समझो लग गई तो जो चीजें एक इमेज पे जो मैं चीजें बयान कर रहा हूं तो वो सबको ही वो चीजें समझ लेनी चाहिए जी मामून आप आ जाइए मामून आ जाइए स्ट्रेंथ हमारी जो है वो ऑलमोस्ट पूरी है थैंक यू जायद वाले टाइम देने के लिए अगर मेरी सारों का आवाज क्लियर है तो प्लीज चैट में लिखते हैं ठीक अच्छा है सारों को आ रही आवाज अच्छा आज जो है ना मैंने एक बहुत सीरियस आप लोगों के साथ आ, मसला डिस्कस करना है मसला इसलिए क्योंकि हमें पसंद तो नहीं है की बात बार बार करना आप लोगों के साथ लेकिन चूंकि अब ये इशू रेज हुआ है तो ये आप लोगों के साथ सामने जो है उसको लेके आना बहुत जरूरी है अभी रिसेंटली Um, कुछ दिनों पहले uh, हमें जो है एक uh, स्क्रीनशॉट मुझे मिला जिसमें बताया गया कि इस क्लास में चैट के अंदर बहुत गलत गलत किस्म की uh, बातें हो रही हैं इस्पेली रिलेटिंग टू अ फीमेल कॉलिग ऑफ योर्स जो कि एक बहुत ही गलत बात है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ओरिएंटेशन में बताया था कि दिस इज सपोज टू बी अ वेरी सेफ स्पेस फॉर यू और अगर आप लोग इसका ख़्याल नहीं करेंगे तो विल बी किक्ड आउट एंड नॉट ओनली किकडाउट आप लोगों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा ब्लैक लिस्ट का मतलब आप सारों को पता है गवर्नमेंट लेवल पे आप किसी भी कभी भी गवर्नमेंट प्रोग्राम का पार्ट नहीं बन सकेंगे और uh, मैं यहाँ पर uh, उसका नाम नहीं लूँगा जिसने हरकत की है मैं उनका भी नहीं नाम लूँगा जिन्होंने ये कहा है हमें बताया बल्कि बहुत अच्छी बात है उन्होंने हमें बताया uh, यही हमारी ओपन डोर पॉलिसी है कि सारे हमारे साथ डिस्कस करें ये चीजें और uh, हमें बताया करें जब उनको किसी भी किस्म का मसला होगा और मैं इन फ्यूचर भी कहूँगा कि किसी को किसी किस्म की कोई कमेंट रिसीव होता है किसी की तरफ से चाहे वो फेसबुक पोस्ट पे हो पर्सनल मैसेज पे हो या फिर आप लोगों की लाइव क्लास में हो तो प्लीज मुझे बताएं जो आप लोगों की सारी चैट्स हैं वो हमारे पास सेव हो रही होती हैं तो इस तरह के आप लोग अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग यू विल गेट अवे विद इट तो ऐसा बिल्कुल नहीं है स्क्रीन शॉट भी हमारे पास होती हैं हर वक्त तो खुदा के लिए ये दिस इज योर लास्ट वार्निंग अगर आपने में से किसी ने दोबारा ये किया तो यू विल बी किक्ड आउट स्ट्रेट अवे और मैंने उसको भी लिख दिया मैं लिख दूंगा बल्कि ईमेल भी कर दूंगा उसका ऑफिशियल उस बंदे को जिसने ये काम किया है तो इन फ्यूचर अब देखें आपके जो आ, ट्रेनर्स हैं वो उनका फोकस होता है आपको पढ़ाने पे वो आपकी मॉनिटर नहीं कर सकते चार्ट तो क्योंकि आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी चैट डिसेबल कर दी जाए या फिर आप सिर्फ होस्ट ओनली इसको कर दें हम लोग तो उसको एवरी वन पे इसलिए रखते हैं कि आप लोग आपस में भी ड्यूरिंग uh, लेक्चर किसी की भी चीज मिस हो तो दूसरे को बता दे या फिर आपस में आप लोगों ने कोई प्रोडक्टिव चीज करनी है तो आप लोग कर लें लेकिन अगर आप लोग इस तरह की हरकत करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर यू इन फ्यूचर इज वेल आप लोग यहाँ पे ट्रेनिंग सीखने आए हैं कुछ करने आए हैं आप एक इनकम कमाने अपने लिए अपनी फैमिली के लिए और अगर आप इनकम में पट जाएंगे तो नो स्पेस फॉर यू और ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है और इसको बार बार कहने की जरूरत भी नहीं है um, आज के बाद से इस तरह की कोई इशू आप लोगों के सामने नहीं लेके आ जाएंगे उनको बैक एंड पे ही हम लोग हल कर लेंगे और उनको निकाल दिया जाएगा तो इसलिए प्लीज बी केयरफुल और आइंदा आप लोगों ने इससे रिलेटेड किसी काम में नहीं पड़ना तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड साहब यू मे कंटिन्यू uh, आप भी अपनी तरफ से इनको बता दीजिएगा कि दे शुड रिमेन वेरी केयरफुल क्योंकि ये बात हमें बहुत हर्ट करती है हम लोगों का जो प्रोग्राम फोकस्ड ऑन वुमेन डेवलपमेंट वुमेन एम्पावरमेंट और अगर इस तरह के मसले ही दोबारा होते रहे तो आई एम सॉरी दे विल बी नो स्पेस फॉर दीज गाइज या जो भी इसमें इन्वॉल्व है इन फ्यूचर और फिर हम इस तरह ही कर लिया करेंगे कि हम जो है फीमेल uh, हैं उनकी क्लासेस ही uh, अलदा कर देते हैं क्योंकि हम एज अ नेशन इतने डूम्ड हो चुके हैं कि हम लोग अपनी फीमेल कॉलेज के साथ पढ़ भी नहीं सकते दिस इज वेरी रॉन्ग तो आइंदा से आप में से कोई भी इस पूरे के पूरी किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होगा तो थैंक यू ओवर टू यू ओके थैंक यू मामून uh, बिल्कुल सही बात है मामून ने uh, बात बिल्कुल ठीक की है अगर इस तरह का इशू uh, अगर आया है वैसे मेरे नॉलेज में नहीं है uh, मेरे नॉलेज में आता uh, तो शायद अब तक जो है वो क्लास से बाहर भी स्टूडेंट uh, हो चुका होता तो ये चीज तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं की जाएगी आप ख्याल करिए और आप लोग जो हैं आप सब पूरी क्लास जो है वो मॉनिटर करे अब मेरे तरफ से ये आपको समझ ले इंस्ट्रक्शन है कि आपने खुद मॉनिटर करना है अब सब बच्चों ने ठीक है सब ने आपने कमेंट्स पे नजर रखनी है और आपको जरा सी भी फीलिंग आए कहीं पे तो क्योंकि ऐसी वैसी कोई वलगर कोई बात कर रहा है ठीक है कोई आ, कोई किसी को मतलब जो है वो तंग करने की कोशिश कर रहा है और इन इन बॉक्स में भी अगर कोई आपके पास आता है खासतौर पे फीमेल्स को मैं कहूंगा अगर आपको बार बार कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है ठीक है तो उस उसपे भी आपने मुझे जो है वो बस बता देना है हाँ ये नहीं करना पर एक दफा अगर आ जाती है तो आप उसको मतलब अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है क्योंकि आप एक फैमिली की तरह हो यहाँ पे आपने एक दूसरे की हेल्प भी करनी है ठीक है और अगर मतलब अच्छे एक एनवायरनमेंट के अंदर आप एक दूसरे को ऐड भी कर लेते हो तो कोई इशू नहीं है ठीक है लेकिन अगर आपको फील हो रहा है कि ये यह यहाँ पे मतलब एक तरह से हेरासमेंट हो रही है या आपको बार बार तंग किया जा रहा है तो फिर आप उसको जो है वो पॉइंट को हाईलाइट करें और मुझे बता दें ठीक है और दूसरा ये है कि अगर कमेंट्स अगर कोई आ रहे हैं इस तरह के किसी पोस्ट के नीचे और टैग किया जा रहा है या आप उसको अगर कोई इस तरह का इशू है जैसे अभी मामून ने जो है वो कहा है तो वो मुझे आप बताइए मामून को बताइए ठीक है और इसको बिल्कुल बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना अगर आपको आपके साथ हो रहा है या किसी के साथ आप देख रहे हो रहा है तो आपने उसको हाईलाइट कर लेना ठीक है पॉइंट क्लियर है ये वाला जी चले जबरदस्त हो गया जबरदस्त हो गया दोबारा हम आ, इमेज की तरफ आ जाते हैं अः यहां पे आ, रबेल आपने दो तीन इमेज जो हैं वो किए हुए चले इसको भी देखते हैं हम साइज आपका यहां से ना थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे फाइवर का आई थिंक ये वाली नहीं है थोड़ा सा ना कम है वो चौड़ाई में थोड़ा ज्यादा है और ऊंचाई में थोड़ा कम है वो आ जी आ, बाकी ये बुलेट पॉइंट्स की ना भरमार नहीं करनी जब भरमार करते हो ना किसी चीज की तो वो काम नजर में नहीं आता जो बड़े बड़े करके वाजे वाजे हरूफ में और डेटा एंट्री अगर यहां पे कर दिया तो इसको यहां से लेके यहां तक भी किया जा सकता था जितना ये लैपटॉप का वाइट सा पोर्शन है इसमें बड़ा बड़ा करके आप इसको डाटा एंट्री को लिख सकते थे तो जितना ज्यादा बड़ा आप लिखते उतना ज्यादा दूर से ही नजर आता वो ठीक है चले ठीक है अगर सेम साइज है तो फिर ठीक है सर स्टार्ट की इमेज चेक करें प्लीज जी जी करते हैं मरियम करते हैं जो इमेजेस सामने मेरे आ गई हैं अब मैं उसको पकड़ के बैठ गया हूँ ठीक है ये एक्सेल ठीक है डाटा एंट्री एक्यूरेट डाटा एंट्री है जी उसके बाद कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट चले जी टाइपिंग टाइपिंग क्या है डेटा एंट्री टाइपिंग ही तो करनी है बस इसको मेंशन करने की जो गैर जरूरी चीजें हैं कोशिश करें आप आ, अपने बुलेट पॉइंट्स को प्रिसाइज किया करें और आप ज्यादा इफेक्टिव किया करें फोकस और प्रिसाइज करके ठीक है और ये जो आपने लिखा है नीचे डिजिटल एन फलाना 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 इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपने ये फाइवर के ऊपर अपलोड करनी है तो वहां पे किसी को नहीं पता आप एन के स्टूडेंट है और आपका फलाना रोल नंबर है इसका कोई वो यहाँ पे किरदार नहीं है इमेज आपने अपनी फाइवर के लिए बना रहे हो ठीक है तो प्रोफेशनल वे में आपने अपनी इमेज बनानी है अच्छा जी यहां से हम ऊपर की तरफ चलो चलते हैं <coughs> बेनाम वजूद सर पहले तो आप बेनाम वजूद साहब आप अपना आईडी जो है उसका नाम सही करें ये शायराना जो तखलस है इनको आप फेसबुक से थोड़ा सा क्योंकि आप अब प्रोफेशनल उसके अंदर जा रहे हो ठीक है तो प्रोफेशनल जो लोग होते हैं उनके इंस्टाग्राम अकाउंट उनका फेसबुक का अकाउंट उनका जो समझ लें लिंकड का प्रोफाइल है उनका ट्विटर का जो अकाउंट है फर्दर उनका फेसबुक और उनका अपवर का जो अकाउंट है वो एक ही नाम से होता है और वो उनके ओरिजिनल नेम से होता है ठीक है अच्छा मेरी बात को समझने की कोशिश करें आप तो जब आ, ये सारे अकाउंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी होते हैं ठीक है, है? फेसबुक पे अगर आ, आपका नाम आ, मिसाल के तौर पर जाहिद इकबाल है तो फाइवर के ऊपर आपका नाम भी जाहिद इकबाल होना चाहिए ठीक है और ये सारे अकाउंट एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं जब क्लाइंट आपके अकाउंट पे आता है फाइवर पे आता है आपकी प्रोफाइल पे आता है तो वहां से उसको लिंक मिल जाते हैं जी फेसबुक पे मौजूद है ट्विटर पे बंदा मौजूद है फलान उससे ये है कि एक रियल सी फीलिंग आती है क्लाइंट के पास के जी मैं जिसको काम दे रहा हूं ये एक हकीकत में एक पर्सनैलिटी मौजूद है ठीक है तो वो ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है आपके साथ काम करने में समझ आ रही है तो इन चीजों से आप थोड़ा सा जो है वो दूर रहें अब ठीक है अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो इन चीजों से जो है वो आप थोड़ा सा ये हर हर किसी में होती है हम में भी थी तो ये ये चीज जो है ये इसमें वो हंसने वाली बात नहीं है इसको लेकिन अब जो है इसको आपने खत्म करना है अगर आपने एक प्रोफेशनल जो है आ, अपने नाम को अगर आपने एक ब्रांड बनाना है ठीक है तो आपको अपना नाम जो है उसको लिखते हुए आपको आ, कोई आ, वो नहीं फील होनी चाहिए कोई बेजती वाली बात तो नहीं है ना बल्कि ऑनर होना चाहिए कि जी मेरा ये नाम है और मैं इस नाम के साथ मौजूद हूं ठीक है और बाकी आपने जो इमेज बनाया है उसमें कलर कॉम्बिनेशन पीछे भी आपने ऑरेंज और रेडिश सा कलर है और आगे भी आपका तकरीबन तकरीबन जो अः कलर है वो रेडिश रेडिश सा है तो अगर ये बिल्कुल ऑपोजिट होता तो ज्यादा वाजे हो जाता अभी भी वाजे है लेकिन मजीद वाजे किया जा सकता है और इसी तरह से आपने यहाँ पे किया है ये सीओ ऑप्टिमाइज और प्लेजरिज्म फ्री और ये मुश्किल हो रही है पढ़ने में ठीक है क्योंकि पीछे भी कलर वही है और फ्रंट पे भी कलर वही है क्लास को ये बात समझ आ रही है जिन लोगों ने इमेजेस बनाए हैं या जो इमेजेस बना रहे हैं उनको ये बात समझ आ रही है जो मैं ये बात कर रहा हूँ किस किस को आइडिया uh, हो रहा है जो मैं बात कर रहा हूं और किस किस को नहीं समझ आ रही ये बात अच्छा गजाला आपको समझ नहीं आ रही स्पेलिंग uh, भी गलत है वो अभी स्पेलिंग uh, की तरफ हम नहीं गए आर्टिकल राइटिंग एस ऑप्टिमाइज्ड प्लेजरिज्म फ्री हाई क्वालिटी कंटेंट हाँ जी चले बिल्कुल समझ सर समझ आ रही है ओके 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 कलर मैचिंग ठीक हाँ कलर सिलेक्शन ठीक नहीं है तो इमेज को डिस्कस कर रहे हैं ना हम तो इमेज के हवाले से और दूसरा यहाँ पे स्टॉक शटर स्टॉक से जो आपने इमेज उठा लिया ना ये वही है जिसके अंदर वाटर मार्क वाटर मार्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ ये वाले इमेज नहीं उठाने ये देखें आई स्टॉक या जहां से भी ये इमेज उठाया है उन, उन्होंने अपना वाटर मार्क तो इसीलिए मैं उस दिन भी उठा रहा था तो वाटर मार्क आ रहे थे तो फिर हमने किसी और जगह से जाकर इमेज उठाया था तो ये देखें ये नहीं होना चाहिए बाकी आपने अपना ये जो तस्वीर यहाँ पे लगाई है आ, सर ये भी यहाँ पे गलत है ठीक है ये तो अब मैंने अब ओपन हुई है तो नोटिस की है जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट ने गोल करके यूं करके बनाई थी और बड़ी वाजे करके आ, किया हुआ था वो वो वाली प्रैक्टिस ठीक है और हीरा खान आपका तो साइज ही जो है डायमेंशन ही आपकी उलट हुई हुई है अच्छा जी सोफिया आमिर सोफिया अमेर आर्टिकल का ए जो है वो इस टैब की स्क्रीन के अंदर जो है वो फंस गया है कहीं पे तो यहाँ पे हालांकि इतनी जगह थी आपको इधर इधर मिली हुई उसको थोड़ा सा कर लेते नजर तो आता ठीक है तो ये थोड़ा सा एसी ऑप्टिमाइज आर्टिकल राइटिंग ये थोड़ा सा इस पे गौर करें बाकी ये आइडिया ठीक है कि सिर्फ एसी ऑप्टिमाइज आर्टिकल राइटिंग लिख दी जाए और दैट्स इट ये भी आइडिया ठीक है ये भी वर्क करता है अच्छा जी उसके बाद जनाब अदनान साहब आपने तो इंटरनेशनल ट्रेनर एंड राइटर चले जी आपके गिग आपकी इमेज का थोड़ा सा ऑपरेशन हम करते हैं ग्राफिकली आपका हाथ काफी अच्छा है आ, लेकिन कप के ऊपर आपने जो अपना फोटो चिपकाया है ये मुझे कोई इतना आ, अच्छा नहीं लगा ये जनाब इससे इंटरनेशनल ट्रेनर एंड राइटर अच्छा जी एस ऑप्टिमाइज्ड ऑप्टिमाइज आर्टिकल राइटर लोगो डिजाइनर ट्विटर अच्छा एक ही इमेज के अंदर आपने लोगो डिजाइनिंग की भी आपने सर्विसेज दे दी और साथ में नंबर भी दे दिया ये तो बिल्कुल ही फाइवर की पॉलिसी के अगेंस्ट हो गया कि आप क्लाइंट को डायरेक्ट अपना नंबर दे रहे हैं ठीक है तो ये वाली जो कहानी है ये फॉरन आप बैन हो जाओगे दूसरे नंबर पे आप एक इमेज के अंदर एक चीज को फोकस करें अगर ऐसी ऑप्टिमाइज आर्टिकल राइटिंग की बात कर रहे हैं तो उसको और अपना नाम लिखने की जरूरत है विजिटिंग कार्ड नहीं है ये ठीक है ये विजिटिंग कार्ड नहीं है विजिटिंग कार्ड आप बनाने की सर्विसेज दे सकते हैं लेकिन ये वाला विजिटिंग कार्ड नहीं है ठीक है ये एक तो ये आपने ख्याल करना है और जैसे अभी पीछे इमेजेस थे कंटेंट राइटिंग के एस सीओ ऑप्टिमाइज उस उस वे में आपने जाना है और कप के ऊपर तस्वीर ये देखें ये जो चीजें हैं ये पाकिस्तानी ऑडियंस को भी अब मुतासर नहीं करती ठीक है अब पाकिस्तानी ऑडियंस भी थोड़ी मेच्योर हो चुकी है पाकिस्तान के जो आ, काम करवाने वाले हैं या जो ये उनपे अच्छी लगती हैं जो मतलब आ, मैं अब आपको क्या मिसाल दू आ, वो अजीब सी बात होगी आप इसको ना थोड़ा इंटरनेशनल उस पर लेके आओ ठीक है हाँ जी आ, बच्चों वाला ना काम लगता है ये बिल्कुल ही आपके ग्राफिकल आपका काम अच्छा है कलर सिलेक्शन आपकी बहुत कमाल है लेकिन इसको थोड़ा ना वो करो थोड़ा ना मॉडर्न करो और ये अपना नाम इस्तेमाल ना करो और बड़ा बड़ा करके अपनी जो एक अगर एसी ऑप्टिमाइज की अलग बनेगी लोगो डिजाइनिंग की अलग बनेगी अगर आप टूटन करना चाहते हैं सीवी करना चाहते हैं तो उसकी एक अलग इमेज बनेगी ठीक है तो ये हर किसी सर्विस की अलग 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 अदनान अगर आप मौजूद है तो कमेंट कीजिए जरा समझ आ गई ये, ये बात आपको गुड वेरी गुड और अपने इमेज को और फिर कप पे ब्लर भी है ना ये काफी सारे बैकग्राउंड हैं ये नहीं करना प्रोफेशनल सी इमेज आप लगाओ जैसे आप जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट ने वो रेड कलर की वो यूं करके उन्होंने आउटलाइंस भी दी हुई थी बस वो थोड़ा सा ना ब्लर हो गई थी इमेज उनकी वो बहुत अच्छी थी अच्छा वो उस पर जरा थोड़ा सा जी सर विल चेंज नेम आफ्टर टेन काशिफ अली समझ नहीं आई मुझे शेयरिंग ईमेल एंड कॉन्टेक्ट नंबर हां जी शेयरिंग ई मेल एंड कॉन्टेक्ट नंबर अब इमेज के ऊपर नहीं करना ये पॉलिसी के अगेंस्ट है फाइवर आपको सेकेंड में बैन कर देगा इवन आपने क्लाइंट के साथ भी ये चीजें नहीं कभी इनबॉक्स में भी नहीं उसको बताना कि मेरा फाइबर का अकाउंट ये है या मैंने सॉरी मेरा जो है ट्विटर व्हाट्सएप का नंबर ये है या मेरा जो है वो स्काइप आईडी ये है तो ये 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 तो वर्ड भी वहां पे समझ लो फिल्टर होते हैं ऐसा अगर आपने कोई वर्ड यूज किया इनबॉक्स या कोई इस तरह की चीज कोई भी आपने तो डायरेक्ट होने की कोशिश अब इसकी मैं पीछे साइंस आपको बता देता हूँ कि फाइबर चूंकि कमीशन काटता है हर प्रोजेक्ट के अंदर तो फाइवर कब चाहेगा कि आप अपने क्लाइंट को लेके साइड पे हो जाओ और डायरेक्ट उसके साथ काम करते रहो तो तो ये तो उसकी पॉलिसी के ना सिर्फ उसकी पॉलिसी के बल्कि बाकी के जो प्लेटफॉर्म है उनकी पॉलिसी के भी अगेंस्ट है जी उसी का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसी को यूज करना है और उसी के अंदर और इमेज पे कभी भी आपने ये नहीं लिखना कि ऑर्डर मी या ऑर्डर नाउ या फला 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 या मुझे जो है वो मेरा ये फोन नंबर है मुझे यहां से है जो है फाइवर को कितने नफलों का स्वाब होगा कि आप डायरेक्ट हो जाओ क्लाइंट को लेके क्लाइंट भी उसके हाथ से गया और फ्री भी गया ठीक है? Uh, 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 है इसको ये ये नुकता इसकी समझ नहीं आ रही है और बाकी ये फॉन्ट ठीक नहीं है भरा भरा फॉन्ट होना चाहिए ये जिस तरह आर यू लुकिंग फॉर अ परफेक्ट कॉन्टेंट ये वाला फॉन्ट अच्छा था आ, लेकिन ये सवाल इमेज के ऊपर पूछने की जरूरत नहीं है द चॉइस इज हेयर ठीक है तो ये थोड़ी सी गलतियां हैं यहाँ पे बड़ा बड़ा करके लिखे जो सर्विसेज आप दे रहे हैं कंटेंट राइटिंग की अगर आप दे रहे हैं तो यहाँ पे बड़ा बड़ा कंटेंट राइटिंग ठीक है लिख दे ठीक है नीचे फिर वो जो वीकनेसेस हैं जो मैंने आपको बताई हैं उनको आप लिखो तो वो ज्यादा है अच्छा बाकी कलर कॉम्बिनेशन अच्छे हैं बस बाकी आपने मैटर ठीक नहीं लिखा हुआ आई थिंक ये इमेज जो है ये डिस्कस हो चुका है अच्छा जी इस इमेज के अंदर क्या फॉल्ट हैं आप लोग अब बताओगे आई थिंक मैं काफी चीजें आपको खुद बता चुका हूं अब आप लोग थोड़ा सा बताए बैकग्राउंड कलर सर द चॉइस इज योर सही होगा नहीं 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 सही नहीं होगा फॉन्ट साइज रीड नहीं होगा कलर से अच्छा जो सबसे बड़ा फॉल्ट है ना वो ये है कि आपने ना इसको किनारे से इसका फासला मुनासिब नहीं है और जहां पे टेक्स्ट की जगह थी ना अब यहां देखो यहाँ सामान पड़ा है बुक पड़ी है यहाँ पे टाइप राइटर पड़ा है जगह ये बनती थी टेक्स्ट की ये वाली ये जहां पे फट्टा नजर आ रहा है खाली जहां पे कुछ पड़ा नहीं हुआ एक तो ये सेंटर होता ठीक है और दूसरा ये जो है खाली जगह थी बैकग्राउंड का इस्तेमाल सही से नहीं किया हुआ एसियो ऑप्टिमाइज राइटिंग प्लेजरिज्म फ्री एंगेजिंग कॉन्टेंट हाईली रिसर्च रिड्यूस बाउंस रेट ठीक है ओके ये ओके है चीजें ठीक है आ, ये चीजें ओके हैं ये बस ये रिड्यूस बाउंस बैक की बजाय जो है रिड्यूस बाउंस रेट ठीक है एंगेजिंग हो गया तो काफी था ठीक है एंगेजिंग कंटेंट काफी था खैर इसको थोड़ा सा यहां पे आप लेके आए इस जगह पे हाँ जी वो जगह ठीक नहीं है ओके 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 अच्छा भाई नीचे वाली देख लेते हैं हौसला करो हौसला हौसला करें सर बड़ी ख्वाबनाक सी आपने तस्वीर लगाई है या उसको खुद धुंधला किया है फिल्टर लगा लगा के ऐसे है जैसे कोई बहुत ही पुराने जमाने की तस्वीर है अच्छा जी ये थोड़ा सा ना इसको वो करो यार जिस तरह ये है ना उस तरह से मतलब तस्वीर को थोड़ा ख्वाबनाक काम करें आर्टिकल राइटिंग ठीक लिखी है रिसर्च इंगेजिंग ठीक है आइडिया अच्छा है बस थोड़ा तस्वीर को थोड़ा सा ना वो करो अच्छे वाली लेके आओ यहाँ पे फाइवर डॉट कॉम लिखने की जरूरत नहीं है फाइवर डॉट कॉम ना लिखा करें बाकी ठीक है और बस तस्वीर को थोड़ा सा और तस्वीर जो है या इसी तस्वीर को अगर लगाना है तो थोड़ा सा जरा वाजे वाली तस्वीर लगाएं जरूरी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तस्वीर लगाना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है अच्छा जी ये ऐसी इसमें भी आपने फ़ॉन्ट का सही से इस्तेमाल नहीं किया कलर करने ही सही इस्तेमाल किया जहां खिचड़ी थी उसकी अः किचमिच किचमिच मारी हुई थी वहीं पे आपने अपना टेक्स्ट पुट कर दिया और वो देखे टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा पीछे जो गंद मचा हुआ है उसमें टेक्स्ट टेक्स्ट जो है आपका गायब हो रहा है ठीक है और तस्वीर भी आपने बहुत छोटी सी जो है वो यहाँ पे लगा दी है वो बड़ी सी तस्वीर लगा देते हैं यहाँ पे लगा देते हैं यूं करके बड़ी सी इधर जो है वो टेक्स्ट यूं करके लिख देते हैं सर ये पिक्चर फाइवर से उतारी गई पता नहीं जी फाइवर से उतारी गई है ये, ये नहीं इसमें आपने ऐसे किया हुआ है जैसे आ, तस्वीर जो है वो अलग से यहाँ पे लग रहा है कि चिपकाई हुई है और टू एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान सर्विसेज आप क्या दे रहे हैं नलतर वैली नीलम वैली आजाद कश्मीर शंगरीला रिजॉर्ट करतूर रामा मेडो चलो ये बातें तो समझ आ गई लेकिन आप सर्विसेज क्या दे रहे हैं आ, किन की है ये इमेज सरफराज अहमद साहब आप ये सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं मुझे ये बताएं टूर गाइड है तो यहाँ पता होना चाहिए ना कि मैं टूर गाइड कर रहा हूँ या टूरिस्ट को जो है वो कोई सहूलत दे रहा हूँ लेकिन फाइवर पे पहले ये देखें देखेंगे ये सर्विसेज इस तरह की है भी सही है नहीं है अगर नहीं है तो फिर उसका क्या फायदा है यहां पे फिर इस तरह करके करने का पाकिस्तान के मौसम बता रहे हैं चले हम नहीं जा रहे इनके साथ हाँ जी नहीं जी मैं तो जाऊंगा इनके साथ नलतर वैली नीलम वैली आजाद कश्मीर जिन जगहों का इन्होंने जिक्र किया है वहां तो जाएंगे जरूर और दोबारा जाएंगे सर बारह मौसम होते हैं अच्छा सर बहुत स्कोप है वैसे अच्छा जी स्कोप है तो ठीक है लेकिन जरा थोड़ा सा आ, प्रोफेशनल वे में इमेज आ, बनाओ आ, लाले सरफराज और यहाँ पे कुछ ऐसा लिखो कि जो पता चले कि आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं टू एक्स बस आप तो दावत दे रहे हैं कि यहाँ पे घूम आओ अब मैं उसमें आपका क्या किरदार है ये नहीं समझ आ रहा कि आप क्या करोगे उनको तो बस आप कह रहे हो घूम आओ भाई जाओ बस दैट्स इट जी यहाँ पे कुछ पता चले ना कि आप क्या और फिर ये देखो आपकी कोशिश है तो आ, कोशिश की है ना उन लोगों के लिए तो ये क्वेश्चन मार्क है के, के, जिन लोगों ने कोशिश ही नहीं की है इमेज बनाने की इन्होंने बनाई तो है ना ये ये एक कोशिश तो की है ना सरफराज ने सरफराज जरा इसको ना थोड़ा वो देखो कि आप आ, इमेज बहुत अच्छा सेलेक्ट किया है आ, लेकिन यहाँ पे भी पहाड़ हैं तो आपकी इमेज के अंदर भी पहाड़ है यहाँ तो इसका आप बैकग्राउंड रिमूव करें अपने इमेज का और इसको गोल करके या चौरस करके इसके साथ कोई बॉर्डर शॉर्डर लगा दें ठीक है ये ना अब ऐसे लग रहा है जैसे आपने कैंची से काट के ना इस आ, के ऊपर रख दी है बस ऐसे नहीं होना चाहिए आपको कुछ जैसे देखे ना ये अब येलो कलर का अगर आपने ये टेक्स्ट किया तो इसके इर्द गिर्द आउटलाइन भी यूज हो रही है ये रेड कलर की जो येलो को इससे

Uh, आपके जो सर्विसेज uh, हैं उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं आप क्या करते हो क्या मतलब उनको प्रोवाइड करोगे जो आपको हायर करेंगे ठीक है तो ये थोड़ा सा ख्याल आप कर लें जी कैमरे ना ऑन करो भाई अपने हकीम साहब कैमरा ऑफ कर दें काइंडली जी सायरा जतोई ये इमेज हम आपकी देख लेते हैं ये मेरे ख्याल कल भी देखी थी काफी सारा टेक्स्ट आपने यहाँ पे पुट किया हुआ ये काफी सारा टेक्स्ट नहीं पुट करना बंदे का ध्यान या इधर जाए या इधर जाए इधर और इसको देख के कहीं पे भी नहीं जा रहा इतना ज्यादा खिचड़ी जो है वो नहीं बनानी और ये भी डाटा इंट्री मंसूर आपने भी पूरा मजमून ही यहाँ पे छाप दिया कौन पढ़ेगा इसको पहले तो ये बताओ कौन पढ़ेगा कोई भी नहीं पढ़ेगा इसको इतने सारे मैटर को कोई नहीं पढ़ता बस एक एक ही लुक में नजर आ जाना चाहिए कि काम क्या हो रहा है यहाँ पे एक ही नजर में आप दोनों को सायरा और मंसूर आप दोनों ने एक ही गलती की है यहाँ पे दोनों ने एक ही गलती की है एक ही नजर में पता चले यहाँ पे कॉन्टेंट राइटिंग की दुकान है ठीक है जैसे बड़ा बड़ा दुकान पर लिखा होता है ड्रिंक कार्नर पता चले ये ड्रिंक कार्नर है ठीक है अगर वो पूरा उस जो साइन बोर्ड है उसपे लिख दें सारा सारी बोतलों के नाम लिख दें और जनाब हर प्रोडक्ट का नाम लिख दें वहां पे जी मेरे पास बिस्किट भी हैं और बिस्किट भी एक ना लिखे सारे बिस्किट गाला का नाम सुप्रीम वो क्या होता है सुपर का नाम और जनाब टक का नाम और सारे नाम लिख दें तो क्या वो समझ आएगी बनस्बत इसके के वो सिर्फ बिस्किट ही एक बना दें बड़ा सा या एक ही तरह से लिख दें ड्रिंक कार्नर या वो ज्यादा बेहतर है या ये वाली प्रैक्टिस ज्यादा बेहतर है कि हर चीज आप लिख दें समझ आ रही है कहानी तो ये ये वाला ख्याल और इमेज सिलेक्शन मंसूर आपकी बहुत कमाल है इसमें ये देखे ब्लैक कलर और ग्रीन कलर का जो कॉम्बिनेशन है ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है हाँ जी कलर कॉम्बिनेशन आप तक जितने मैंने इमेजेस देखे हैं सबसे अच्छा आपका ये दूर से ऐसे खींच रहा है आंखों को ना कि इधर इधर जरूर देखो अब ये तीन इमेज नजर आ रहे हैं इनमें से ये इमेज कह रहा है पुकार रहा है कि मुझे जरूर देखो हाँ जी बहुत आला बस आप अपने जो आ, उसको आ, थोड़ा कम करें डेटा एंट्री को बड़ा बड़ा लिख दें और ये जो जो बाकी चीजें जो लिखी हैं ये छोटी छोटी लिख दें और फिर आपका ज्यादा जो है वो अः अट्रेक्टिव हो जाएगा काम ठीक है तो इस पे काम आपने करना है लेकिन हर 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 किसी ने ना कोई ना कोई गलती की हुई है और कुछ लोगों ने कुछ किसी चीज को बहुत अच्छे से जो है वो बनाया है अब ये देखें नीचे इनका इमेज जो था अभी आई थिंक इन्होंने इनबॉक्स भी किया था नदीम ने नदीम आपको मैंने इनबॉक्स में बता दिया था कि आपका इमेज ठीक है बस इसको इस मामला को थोड़ा सा ऊपर ले जाओ क्योंकि ये आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट वाला जो है ना कट जाएगा और ये खत्म कर दो ये जो रंग बिरंगी आपने सात सात रंग इस्तेमाल किए ना वो जो हम चावलों में इस्तेमाल करते हैं मीठे चावलों में वो वाला काम नहीं करना ये जो आ, क्या कहते हैं आपके हमारे यहाँ उसको ओ मतंजन बोलते हैं और सतरंगे चावल बोलते हैं ठीक है आपके इलाके में पता नहीं उसको क्या बोलते हैं वो नहीं बनाने ये ठीक है ये नीला पीला चिट्टा काला ये सारे रंग जो है जरदा नहीं जरदा तो जर्द कलर का होता है एक ही कलर होता है उसका ये जो है सात रंग के चावल भी होते हैं एक हाँ जी मतंजन होता है तरजन पता नहीं क्या है पंजाबी में उसको सात रंगे चावल कहते हैं ये वो नहीं है ठीक है वो नहीं बनाना ये बहुत अच्छा है ये जो ये आपने बनाई है और वो भी दो कलर की शुक्र है बनाई है और उसके अंदर आपने व्हाइट कलर का बहुत अच्छा जो है वो इस्तेमाल किया है गुड है ग्राफिकली आपका हाथ अच्छा है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मार्क आ गए आप सर ऊपर वाले इमेज देखे भाई नहीं देखता मैं जो करना है, कर लो आप ऊपर वाले नहीं देखता मैं अब मैं नीचे की तरफ ही जाऊंगा जो सामने आ रहे हैं आपको सबको समझ आ रही है ना कि क्या करना क्या है और क्या नहीं करना बस यही बताना है मैंने आपको कि क्या करना है और क्या नहीं करना वो आप अपने इमेज के साथ वो कर लेंगे अच्छी तरह से कर लोगे नहीं गुस्सा नहीं मैं कर रहा मैं मैं थोड़ा सा वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ भाई हाँ जी अमजद साहब आपने एक बहुत छोटा फॉन्ट इस्तेमाल किया यहाँ पे बहुत छोटा 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 और फासले भी बहुत ज्यादा है नजर नहीं आ रहे आई थिंक अब आपको बताने की जरूरत नहीं रही कि बताने की जरूरत है इमेज कैसा होना चाहिए बताओ जी सब कर लेंगे अब समझ आ गई है अब इसको मैं असाइनमेंट को दोबारा पुट करूंगा और आपने अपने इमेजेस को दोबारा रिफाइन करना है अब इस पोस्ट के नीचे आपने इमेज नहीं पुट करना अपना अब मैं नई पोस्ट करूंगा ठीक है दो छुट्टियां आ गई हैं इसमें आपने इमेज भी बनाना है अपना और आपने अपनी गिग को भी जो ये जो मामलात है इनको भी सेट करना है अब मैं आ रहा हूं इमेज को मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि इमेजेस हमारे डिस्कस हो गए बहुत ज्यादा ठीक है अभी मजीद इमेज डिस्कस करने की जरूरत है जरा कमेंट में मुझे बताएं किसको लगता है कि मजीद इमेजेस को डिस्कस किया जाए बताओ जरा बताओ 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 शाबाश बता� हाँ जी और हर चीज क्लियर है भाई अब हर चीज क्लियर है हाँ जी कलर कॉम्बिनेशन का समझ आ गई आपको टेक्स्ट प्लेसमेंट की समझ आ गई ठीक है ये देखें ये जो जिस तरह ये लिखा हुआ है इन्होंने ये बहुत अच्छा लिखा है ये डब्बों में जो है वाजे करने की बात जो है डब्बे बना के ये देखें योर आर्टिकल इज योर आवर प्रायोरिटी ये गलत लिखा है इन्होंने खैर यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग या इस तरह करके लिखते थे अः ये बात बताने वाली नहीं होती कि आपका आर्टिकल हमारी प्रायोरिटी है ठीक है ये 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 वाला ठीक है और ऊपर वाला थोड़ा सा गलत कर गए हैं कि थोड़ा सा ना बहुत छोटा छोटा करके और ये ऊपर नहीं होते बुलेट पॉइंट हमेशा इस चीज के नीचे होते हैं हेडिंग ऊपर होती है और बुलेट पॉइंट नीचे होते हैं आपने जो है टांगे ऊपर लगा दी है और सर उसका नीचे लगा दिया है ठीक है बुलेट पॉइंट हमेशा नीचे होते हैं और आपका जो टाइटल है जो बड़ा बड़ा सा होता है और ये टाइटल भी ठीक नहीं है टाइटल को ठीक कर लें जी आई थिंक इमेजेस काफी हो गए हैं अब हम चलते हैं अपने असाइनमेंट नंबर दो की तरफ हाँ जी असाइनमेंट नंबर दो जो है उसमें सबसे पहले नंबर पे मोहम्मद कासिम खटक साहब ने हमें असाइनमेंट अपनी भेजी है और इसमें इनका हम इसकी इनकी गिग को नहीं ओमायमा आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है क्या हम अपने इमेज की पिक्चर जो गिग की पिक्चर है उसको लेटर ऑन चेंज कर सकते हैं और इनिशियली अब ऐसा है कि अगर तो आपका गिग जो है रैंक नहीं हुआ ठीक है दो चीजें हैं अगर आपका गिग अभी रैंक ही नहीं हुआ और अभी उसपे कोई ऑर्डर ही नहीं है तो आप जो मर्जी उसके साथ करते रहे इमेज चेंज करें वीडियो लगा दें कभी उसका टाइटल आगे पीछे करके देखें लेकिन जब एक दफा आपका कोई गिग रैंक हो जाए या रैंक से मुरादी है कि ऑर्डर आने शुरू हो जाए उस पर अब आपको ये भी नहीं पता चल रहा कि वो रैंक किस की से है लेकिन ऑर्डर आ रहे हैं और आपका वो अगर गिग रैंक भी है ठीक है और ऑर्डर नहीं आ रहे और अभी रैंक हो गया तो उस गिग को आपने कभी उसका आपने कॉमा भी उसमें ऐड नहीं करना उसके बाद आपने इमेज भी चेंज नहीं करना ना नया इमेज ऐड करना है ना वीडियो ऐड करनी है उसके अंदर और ना आपने अपने, अपने टैग्स को मतलब आपने फिर उस इमेज को छेड़ना जो है ना वो गुनाहे कबीरा समझ लेना है अगर आपने उसको छेड़ा तो समझो वो रैंकिंग से हट जाएगा समझ आ रही है ये रिपीट करूं मेरी बात सुनो आपने इमेज अपना गिग बना लिया फाइवर पे डाल दिया ठीक है अभी तो आपने नोट पैड पे डाला है ना ये डॉक्यूमेंट के अंदर डाला है ना तो यहाँ की बात नहीं हो रही फाइवर पे जब आपने डाल दिया अगले हफ्ते हमने अब लाइव करना शुरू कर देना आई थिंक मैंने ये पूरा हफ्ता आपको समझा दिया है कि गिग के अंदर आपने टाइटल डिस्क्रिप्शन अभी मजीद आज बैठ के हम इसको आ, आ, जो है एक घंटा इसको डिस्कस करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से ये डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है ठीक है काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी अब तो हम अगला वीक जो है अपना गिग जो है लाइव करना शुरू कर देंगे अपना प्रोफाइल के ऊपर ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि सपोज आपने यहां पे लिखा यहां तो इसको जाहिर हमने रखा ही इसलिए है कि इसको हम थोड़ा रिफाइन करें इसको डिस्कस करें हम अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसको उसकी बात करें लेकिन जब आपने फाइवर पे एक दफा डाल दिया और फाइवर पे डालने के बाद आपने फिर वेट करना है दो दिन चार दिन हफ्ता उस पर कोई ऑर्डर आए या वो रैंक हो ठीक है और अगर वो रैंक नहीं होता तो फिर उसको एडिट कर सकते हैं हम उसको डिलीट करके नया भी बना सकते हैं लेकिन अगर एक दफा वो रैंक हो जाए किसी की के ऊपर मिसाल के तौर पर फर्स्ट पेज पे, पे, पे कोई तीसरे चौथे नंबर पे आ जाए या पहले पेज में कहीं पे शो हो रहा हो या दूसरे पेज में कहीं रैंकिंग में आ रहा हो तो तब आपने उसको नहीं छेड़ना और जब आर्डर आने शुरू हो जाए तो उसके बाद तो बिल्कुल उसको नहीं छेड़ना उसको एडिट नहीं करना फिर दोबारा हाँ जी डिस्क्रिप्शन को मैं अब डिस्क्राइब करता हूं ठीक है ये देखें अब ये खटक साहब ने कहा है आई विल राइट एसटीमाइज ब्लॉग पोस्ट एंड आर्टिकल्स आर्टिकल्स के स्पेलिंग ठीक है बताओ भाई ठीक है अच्छा जी और इन्होंने ना एस ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल्स को भी इन्होंने अपने टाइटल uh, में इंक्लूड किया है खटक साहब ने और इन्होंने ब्लॉग पोस्ट को भी देखें दो तीन कीवर्ड इन्होंने टारगेट किए हैं और बड़े स्मार्टली इन्होंने यहां पे टारगेट कर लिए ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है वेरी गुड ठीक है इन्होंने एस ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट एस ऑप्टिमाइज आर्टिकल्स ठीक है इन्होंने जनाब सिंपल ब्लॉग पोस्ट ये सारे कीवर्ड जो है इन्होंने टारगेट कर लिए हैं अपने टाइटल के अंदर ठीक है तो ये ये काम ओके okay है टाइटल जबरदस्त बना लिया इन्होंने ठीक है अच्छा जी स्टार्ट में मैंने आपको कहा था आर यू लुकिंग फॉर योर ब्लॉग पोस्ट एंड आर्टिकल आर्टिकल्स रिटन बाय अ प्रोफेशनल एंड डिलीवर्ड फास्ट थोड़ी सी लाइन uh, मुझे थोड़ी सी वो कर रही है हंट कर रही है अच्छी नहीं लिखी हुई आपने बजाय इसके कि आप यहाँ पे मैंने आपको पत्रिकाकार ये बताया था कि आप कोई ऐसी लाइन इस्तेमाल करें जो क्लाइंट को क्लाइंट को जनाब पकड़ के आपके पास बिठा दे ठीक है वो वाला वो वाली टेक्निक आपने इस्तेमाल नहीं की ठीक है ये भी अच्छी है ये भी बहुत से फ्री लांसर ये वाली टेक्निक भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो वाली ज्यादा पावरफुल टेक्निक है ठीक है वेल well, Uh, guess what you have come to the right place all you have to do is provide me with your project idea and answer a few simple questions about it and consider it done on time should be more better than fast on time delivered on time hanji what uh, you get क्या मिलेगा हाईली एक्ट रिसर्च कॉन्टेंट ऑप्टिमाइजेशन ऑडियंस एंगेजिंग मेटीरियल प्रॉपरली प्लेस्ड की ट्रैफिक फ्रॉम सर्च इंजिन अल्टीमेट अनलिमिटेड अच्छा अनलिमिटेड रिविजन ओके खटक साहब Uh, मेरी तरफ से आपको जो है वो मुबारकबाद आपने ये बुलेट पॉइंट्स बहुत अच्छे से लिखे हैं बहुत ही अच्छे से लिखे हैं बहुत ही आला लिखे हैं इस पे काम करें यहां पे काम करें इस एरिए में ठीक है इस एरिए में काम करें करने की जरूरत है आपको और आप कर सकोगे आपकी जो uh, मैंने देख लिया है स्टाइल आपकी uh, जो राइटिंग uh, पावर है आप कर सकते हो यहाँ पे ठीक है डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा अभी मैं बताऊंगा अभी फिलहाल जो मैं चीज बता रहा हूं आप वो कर लो हाँ जी हाँ जी इसको इस पे काम करो खटक साहब और ना पता क्या ये ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट और आर्टिकल ये जो चीजें आपने बताई है ना यहाँ पे ये तीनों कीवर्ड मुझे हाई कंपटीशन वाले लग रहे हैं यहाँ पे कोई लो कंपटीशन कीवर्ड को टारगेट करो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा अब मुझे नहीं पता कि इनके ऊपर सर्विसेज कितनी है एस ऑप्टिमाइज या ब्लॉग पोस्ट पे या एस आर्टिकल पे कितनी वो सर्विसेज हैं कोई एक कीवर्ड जरूर इसमें ऐसा इंक्लूड करो जो लो कंपटीशन वाला हो और वो ढूंढो ठीक है खटक साहब वो ढूंढो आपको ढूंढना पड़ेगा ठीक है क्योंकि आपके अंदर जो है राइटिंग पावर है और आप बहुत अच्छा लिख लोगे और आपके बुलेट पॉइंट बहुत कमाल है और इस एरिए पे काम करने की जरूरत है आपको इस एरिए पे यहाँ पे काम करें थोड़ा सा

लिमिट ये देखिएगा कितनी है ठीक है हंड्रेड एट्टी फोर ठीक है एक हजार चार सौ चौरासी करेक्टर्स आप लिख सकते हैं और इन करेक्टर्स को इस्तेमाल आपने पूरा करना है कोशिश करनी है आप चौदह सौ चौरासी करेक्टर्स ही इस्तेमाल करें खटक साहब क्योंकि जितना आप उसको यूज यूज करेंगे ना उन, उन उस लिमिट को तो उतना ही ज्यादा बेहतरीन है ठीक है समझ आ रही है हाँ जी बारह सो या कितने करेक्टर हैं ये इनको आप इन इस लिमिट को आप जरूर इस्तेमाल करें ठीक है हाँ जी तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए तो मजीद इसमें चीजें आप ऐड करें और आपका जो है शाबाश मजीद इसको रिफाइन कर लो वेरी गुड वेरी गुड हाँ जी बाकी लोगों को कुछ समझ आई है इस बात से जो मैंने अभी ये डिस्क्रिप्शन जो जो पूछ रहे थे डिस्क्रिप्शन क्या होती है आ, बाकी लोगों को कुछ आइडिया हुआ है कि आपने क्या करना है बाकी लोगों ने भी जुनेद साहब आपने नहीं असाइनमेंट नहीं दी बस आपने नाम लिख के और सीएनआईसी लिख के आप भाग गए हम्म जबरदस्त चलें 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 असल मकसद यही है ये जो हमने ये जो हम कर रहे हैं एक एक इमेज को हम पकड़ के देख रहे हैं तो मकसद यही है देखें सबको नहीं चेक कर सकते अब ये जो सब लोग मौजूद जब जिन्होंने ये असाइनमेंट दिए इनको भी सबको नहीं चेक कर सकते हम ये अब टीएस का, का काम होगा ये भी मैं बता ये नहीं आप कहें कि भैया हम आमने लगा दी है तो सर ने हमारी नहीं चेक की ये टी का, का काम होगा ये पूरी लिस्ट में टीएस के साथ शेयर कर दूंगा और टी को मैं दे दूंगा जो मेरे टी आएंगे ना उनको मैं दे दूंगा जी यहाँ से लेके यहाँ तक टीए नंबर वन आपने चेक करने हैं डिस्क्रिप्शन और अगर कहीं पे करेक्शन करने वाली होगी तो वो खुद भी करेंगे आपके साथ मिलके फिर दूसरे टीए को कहूंगा यहां से लेके यहां तक इनके आपने चेक करने हैं ठीक है तो अभी हौसला रखें सारा कुछ ही होगा हाँ जी बिल्कुल होगी होगी अभी फिलहाल जनरल सी डिस्कशन यहाँ पे ये इसलिए कर रहा हूं कि बाकी लोग जो है क्योंकि एक को देख के बाकी लोग सबक पकड़ लेते हैं एक चीज को देख के बाकी लोग अपना रिफाइन करना शुरू कर देते हैं तो आपने इस पे नहीं रहना कि सर चेक करेंगे तो मैं सही करूंगा अब एक एक अगर गिग चेक हो गई है तो इसका मतलब है कि वहां से आप आइडियाज लेके अब आप खुद से शुरू हो जाएं अपने काम को मजीद सेट करना शुरू कर दें ठीक है तो ऐसा नहीं होगा कि मैं आपकी उंगली पकड़ पकड़ के जो है वो आपको चलाऊंगा उंगली पकड़ पकड़ के मैंने नहीं चलाना मैंने आपको रास्ता दिखाना है ठीक है चलना वहां पर आपने है खुद ठीक है तो जब तक आप खुद अपनी हालत को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे आपकी हालत को नहीं बदला जा सकता ये बात आप लिख लें समझ लें और अपने दिमागों में इसको राशख कर लें बिठा लें ठीक है वो अलामा साहब का शेयर भी है ना लामा इकबाल का कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का तो जब तक आप अपनी हालत को खुद नहीं बदलेंगे अपने ऊपर आप काम नहीं करेंगे उस वक्त तक कोई आपकी आपकी कोई हेल्प नहीं होगी ठीक है हाँ जी तो आप लोगों ने जब ये चीज एक गिग हमने बता दी खोल के आपको उसको उसको हमने ऑपरेट कर दिया उसका उसमें जहां जहां गलतियां थी वो भी आपको आपके सामने आ गई तो आप लोगों ने अब इसको इस इन इन बातों को पकड़ लेना है और फिर आपने अपनी गिग को इसी तरह से रिफाइन करना है ठीक है अच्छा जी अब अगला जो है हमारा स्टूडेंट वो है वकार हुसैन जी वकार हुसैन 25 सेकंड और पच्चीस और 300 अच्छा आई विल राइट हाई क्वालिटी एस सीओ आर्टिकल मैगजीन पोस्ट अच्छा अब यहां पे ना ये गलती की है आपने कि आर्टिकल का इस्तेमाल दो दफा आपने कर लिया यहाँ पे ये आपने गलत किया है ठीक है मैगजीन uh, आर्टिकल uh, क्या ये कीवर्ड था uh, वकार अगर मौजूद है तो मुझे बताएं और जहाँ पे एंड आ जाता है ना खुदा के बंदे वहां पे कॉमा नहीं आता ये देखो अब कौन हायर करेगा जो ये इस तरह की गलतियां करता है ये मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूं मेरी भी इंग्लिश को इतनी अच्छी नहीं है वैसे अगर मेरी अच्छी इंग्लिश होती तो मैं क्यों आर्टिकल राइटर्स को हायर कर रहा होता अपने ब्लॉग्स के लिए हाँ जी की वर्क हाँ जी सही कह रहा हूं मैं कॉमे के बाद नहीं वो एंड के साथ कॉमा नहीं होता ना ठीक है और आ, हाँ यहां कॉमा ठीक है आई विल अच्छा हाई क्वालिटी ना लिखो भाई जरूरी है ये कीवर्ड तो नहीं है आई विल राइट एस सीओ ऑप्टिमाइज कर दो ठीक है चलो ये कीवर्ड होगा मे भी के ये कीवर्ड ही हो एस सीओ ऑप्टिमाइज मैगजीन आर्टिकल ये कर दो ठीक है आपको मैं बताता हूं किस तरह से करो ये देखो एस सीओ ऑप्टिमाइज ठीक है मैगजीन आर्टिकल्स ठीक है अब ये देखें ये तीन कीवर्ड दो कीवर्ड कवर हो गए हैं मैगजीन आर्टिकल भी कवर हो गया है और एस सीओ आर्टिकल भी कवर हो गया है ये ना समझें कि ये एस के साथ आर्टिकल आएगा तो वो आ, वो होगा ठीक एस सीओ आर्टिकल भी कवर हो गया इसमें कीवर्ड अब बात को समझो मेरी बात को ठीक है एस ऑप्टिमाइज्ड ऑप्टिमाइज मैगजीन मैगजीन आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट ये टाइटल्स ठीक रहेगा हाँ जी अब देखें कीवर्ड कवर हो गए हैं एससीओ आर्टिकल भी कवर हो गया, हो गया इसमें और मैगजीन आर्टिकल भी कवर हो गया है. और जनाब ब्लॉग पोस्ट भी कवर हो गया है. समझ आई ए गल समझ आई या थोनू तो पंजाबी कौन-कौन समझता है वैसे वकार को समझ आ गई है ठीक है ठीक है पश्तो अच्छा सर आती है समझ सिंधी बोले मैं मैनु सिंधी नहीं आंदी सायरा मुझे सिंधी नहीं आती सिंधी uh, तो पंजाबी हूं मैं भाई पंजाबी हूँ और पंजाबी बोल लेता हूँ बस सर आती है समाज आती है आर्टिकल फॉर मैगजीन एंड प्लॉ नहीं 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 कर सकते हैं आ, लेकिन ये ज्यादा जो मैंने जो लिखा है मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर है प्रिसाइज़ है और सारे कीवर्ड को मैंने टारगेट कर लिया ठीक है? है वैसे भी यार इतरीस उर्दू पंजाबी सरायकी पश्तो क्या फर्क पड़ता है जुबान से ठीक है तो उर्दू जरूरी नहीं है उर्दू ही हमें इकट्ठा रखे हमें जो है हमें बस ये चीज इकट्ठा रखने के लिए काफी नहीं है कि हम एक मुल्क के जो हैं वो बशिंदे हैं ठीक है तो यही काफी है उर्दू ना भी होती दरम्यान में तो भी हम एक, एक एक रह सकते हैं जी बिल्कुल उर्दू बोले पंजाबी बोले मुझे सिंधी से मोहब्बत है ठीक है हालांकि मैं पंजाबी हूं मुझे सिंधी बहुत पसंद है मुझे पश्तो बहुत पसंद है मुझे ना सिर्फ पाकिस्तान की सारी जुबानें पसंद है बल्कि सारी दुनिया की मुझे जुबानें पसंद हैं तो इसमें क्या है कि जी आ, आ, मतलब ये जो चीजें हैं ये तो बस दूर दूर करने वाली होती है ना कि जी सिर्फ उर्दू हमें एक कर रही है या हमें हाँ जो चीज़ गलत है वो इनजस्टिस है जो डिवेलपमेंट जो नहीं हो रही बाकी के एरियाज के अंदर वो चीज़ गलत है जुबान तो कोई भी हो सकती है हाँ जो डिवेलपमेंट नहीं हो रही जो चीज़ें जो जो नासाफिया हो रही हैं वो गलत हैं हाँ जी पॉलिटिकल हो गया जी बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिकल भी होना चाहिए थोड़ा सा सर मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया है इमेज भी बनाया है वो भी ग्रुप में चले जी देख लेंगे सर एक बार ये बोले कि समझ आ रहा है या अगली भी हाँ जी अगली भी जा रही है सर उर्दू सबको समझ हाँ जी चलो आती है तो अच्छी बात है उर्दू ही बोल रहा हूँ भाई मैं कभी कभी दरमियान में वो तो पंजाबी आ जाती है मेरी तो क्या करूँ मैं मजबूरी है जब बंदे को गुस्सा आता है या बंदे को जब अः क्या कहते हैं लड़ाई कर रहा होता है या बंदे को जब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है तो फिर वो अपनी मादरी जो जुबान है उसमें चला जाता है ये ह्यूमन साइकोलॉजी ये सारी दुनिया के इंसानों के साथ ऐसा ही होता है यस yes. सर पंजाबी भी समझ आ रही है सर आप थोड़े बहुत बोल जी जी बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल थैंक यू सर एक की, की मल्टीपल इमेजेस बना हाँ जी बिल्कुल दो तीन इमेजेस बना सकते हैं आप जी जब बंदा पेन में होता है या गुस्से में होता है या बहुत ज्यादा इमोशनल जब हो जाता है तो वो फिर अपनी मादरी, मादरी जुबान पे चला जाता है बिल्कुल ऐसा ही है सर मेरे डिस्क्रिप्शन चेक करें अभी भाई ये देखो मैंने अभी टाइटल आपका एक का टाइटल पकड़ा और उसको मैंने थोड़ा सा सेट किया अब आप लोगों ने ये गलती अगर जिन जिन लोगों ने की होगी वो भी अब सेट कर लेंगे ठीक है आगे हम चलते हैं अब मुझे वकार साहब आपने ये बताना है वकार ही है ना ये हाँ जी वकार साहब आपने ये बताना है कि ये क्या चीज है ये पच्चीस सेकंड और तीन सौ करेक्टर का क्या मतलब है ये बता दें जरा मैं यहाँ पे स्टक हो गया हूं मुझे ये इसकी समझ नहीं आ रही तब जब तक आप इसका जवाब नहीं देते मैं आगे पढ़ता हूँ कीप रीडिंग

बट गूगल वॉन्ट्स ग्रेट क्वालिटी यू नहीं भी फनी क्यों है भाई पहले तो ये बताओ ये इट्स नॉट फनी वकार गूगल वॉन्ट्स ग्रेट क्वालिटी यूजफुल आर्टिकल्स आपको ये फनी क्यों लग रहा है हालांकि फनी बात तो नहीं यूजफुल आर्टिकल ऑन योर वेबसाइट ब्लॉग इन ऑर्डर टू रैंक यू ऑन ऑन और समहाउ नियर द फर्स्ट पेज नहीं भाई नियर द फर्स्ट पेज की बात ना करें आप ठीक है आ, अपने आप को अपने क्लाइंट को कभी भी ये ना कहें कि मैं आपको नेड़े आपको उसको कर? मैं रैंक करवा दूंगा आपको छोड़ दो ये क्या बात आपने कर दी कि नहीं करवा सकोगे ठीक है ये तो आप उसको खुद ही आपका जो है वो मोरल डाउन है इसका मतलब है तो आप अगले को क्या काम करके दोगे फ्रस्ट्रेटिंग अच्छा माइट साउंड फ्रस्ट्रेटिंग चलो जी कर दो हो सकता है

जी पैराग्राफ थोड़े लॉन्ग हैं लेकिन, थी, है, है है। है, लेकिन ये ठीक है।, है, है, है तो इस तरह से इसको इजी कर लें थोड़ा सा मजीद इजी कर लें ताकि पढ़ इजीली पढ़ा जा सके फॉर दैट इफ यू वांट एनाउंसटैंड हाई क्वालिटी एस यू आर्टिकल मैगजीन आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट फॉर योर

आई put यू इन द स्पॉट लाइट attract. नहीं भाई ये खत्म कर दो ये कहानियां अब यहाँ पे ना छोड़ो अब बुलेट पॉइंट की बात कर लेते तो ठीक है ये तीन पैराग्राफ चार बहुत ज्यादा है दो दो में बात न बेड़ो यहाँ पे दो पैराग्राफ में ये बात खत्म कर दो यहाँ पे फिर बुलेट पॉइंट की तरफ आ जाओ ठीक है वक़ात दो पैराग्राफ के बाद आप फौरी तौर पे बुलेट पॉइंट्स की तरफ आ सकते हो वाई डू वाई डू आई डू इट

इम्पेकेबल ग्रामर एंड स्पेलिंग ठीक है जी यहाँ पे या, ये कर दे नो ग्रामेटिकल एर ठीक है एस सीओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल ठीक है डिलीवरी ऑन टाइम डिलीवर्ड ऑन ये बी डिलीवरी ऑन टाइम ठीक है ट्वेंटी फोर सेवन अवेलेबिलिटी बेस्ट कस्टमर सर्विस ठीक है टेक्निकल चीजें ज्यादा यहाँ पे दी जा सकती थी जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं एस सीओ के हवाले से लेट मी नो वट वी आर राइटिंग अबाउट एंड यहाँ पे आप सिंपल ये लिखते हैं कि कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर ठीक है वो ये ज्यादा बेहतर चीज रहेगी ठीक है या डिस्कस यूर कीवर्ड बिफोर डिस्कस यूर कीवर्ड बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर ठीक है या लेट्स डिस्कस यू आर टारगेटेड की वर्ड बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर ये बात करेंगे तो वो ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा क्लाइंट आपका कि ये मेरे साथ जो है आ, पहले की वर्ड डिस्कस करना चाहता है और उसके बाद ये लिखना चाहता है तो ये बंदा जो है वो थोड़ा बेहतर है ठीक है तो इस इस जो ये मैंने जो ऑपरेट किया है इस गिग का इससे कुछ सीखा है आप लोगों ने बाकी लोगों ने आ, नहीं, 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 नहीं 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 हिरा कोमल नहीं जो सामने बारी बारी आएगा उसको और जो आएगा वही अभी आ, मैं आपके माइक ऑन करूंगा आई थिंक मैंने दो इसको चेक किया है एक और चेक करूंगा और उस पर उसके बाद माइक क्योंकि माइक भी ऑन करने जरूरी है आज हाँ जी फर्स्ट पैराग्राफ में कीवर्ड ऐड करने होते हैं अभी नहीं करने होते अभी फिलहाल देखें मेरी बात सुनी अब मैं आपको ना अगली बात बताता हूं ये जब आप लिख बैठे ना ये सारा कुछ उसके बाद आपने जो हाई ट्रैफिकिंग की होंगे ना जो यहां पे पुट नहीं कर सके आप उनको आपने स्मार्टली फिर प्लेस करना है अपने इस इन पैराग्राफ के अंदर ताकि ये पैराग्राफ भी डिस्टर्ब ना हो अगर आपको मैं स्टार्ट में ये कहूं कि आपने कीवर्ड भी प्लेस करने हैं तो फिर आपसे ये पैराग्राफ लिखा ही नहीं जाएगा फ्लो में आप फिर गलती कर जोगे आप उनको यहाँ पे प्लेस करने के चक्कर में ना जैसे ये देखें एस सीओ आर्टिकल इन्होंने प्लेस किया है मैगजीन आर्टिकल इन्होंने प्लेस कर दिया है ठीक है तो इस तरह स्मार्टली फिर बाद में प्लेस करने हैं जब आप अपना पैराग्राफ लिख चुको पहले आप अपनी डिस्क्रिप्शन को लिख लो फिर उसके बाद अपने कीवर्ड को पकड़ो फिर आप वहां पर उनको कहीं कहीं पे प्लेस करो स्मार्टली ताकि आपका पैराग्राफ भी डिस्टर्ब ना हो और की भी आ जाए अगर आप पहले से उनको घुसाने की कोशिश कर रहे होगे ना लिखते हुए तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी आपका पैराग्राफ लिखना आपको डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखी नहीं जाएगी फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे ठीक है तो ये ये काम आप जिन लोगों का सवाल है कि कीवर्ड प्लेस करने हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं करेंगे भी सही लेकिन ये मैंने आपको बाद में बतानी थी बात फिलहाल आप पहले ये लाइनें लिख लो उनको रिफाइन कर लो बार बार पढ़ के फिर जब बिल्कुल आपको हो होके बिल्कुल ओके हो, हो गया फिर उसके बाद कीवर्ड वहां पे पुट कर दो कहीं कहीं पे जहां पे वो प्लेस हो सकते हैं या कोई किसी वर्ड की जगह रिप्लेस हो सकते हैं ठीक है समझ आ गई है ये पॉइंट समझ आया है, ये जो मैंने अभी आपको बताया ओके 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 गुड 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 अच्छा जी अब 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 जो है मैं आप लोगों का कर रहा हूं हैंड रेज कर ले असाइनमेंट अगेन यही है आपने इसी काम को अपने को रिफाइन कर लेना है ठीक है और साथ ही साथ आपने क्या करना है इसके नीचे आपने एक और काम करना है फाइवर पे जाना है ठीक है माइक वैसे हैंड रेज करके रखे मैं आपके माइक ऑन करता हूं हाँ जी बिल्कुल 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 रेज है कोमल मैं आप आप बल्कि टॉप टॉप पे नजर आ रही है मुझे और ये मैं आपको मैंने अनम्यूट भी कर कोमल एक मिनट जरा रुकिए मैं एक चीज बता लू सब तो लोगों को अच्छा अब आपने क्या करना है सब लोगों ने जैसे आप आ, आर्टिकल राइटिंग की ही बात कर रहे हैं ठीक है थीके? तो इसको आपने आ, पुट करना है और आपने फ्री को दोबारा से सब फ्री को चेक करना शुरू कर देना है उसके लिए तरीकाकार ये होगा कि यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं ये जो इनका नाम शो हो रहा है यूजर नेम इसको भी क्लिक कर करके आप फ्री को ओपन कर सकते हैं ठीक है अब आपने जो चीज तैयार कर ली है डिस्क्रिप्शन गिग टाइटल डिस्क्रिप्शन सारी चीजें आपको पता चल गई हैं उसके साथ साथ आपने अपना अच्छा सा यूजर नेम भी सोचना है और ये वाली जो लाइन है ये वाली लाइन ये लाइन भी आपने सोचनी है और कैसे सोचनी है इन फ्री को आपने देखना है कि इन लोगों ने क्या लिखा हुआ यहाँ पे नंबर वन इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर फ्ला फ्लां फ्ला ठीक है इसने लिखा है वर्क हार्ड डिलीवरी डिलीवर

आपने अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है और वो भी आपने इनकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेना है ठीक है उनको पढ़ते हुए फिर आपने डिस्क्रिप्शन जो है वो पुट करनी है कि ये कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन भी आपने लिखनी है अपनी ये प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन होगी ये किसी एक इसमें किसी एक सर्विस का आपने हवाला नहीं देना अपनी तमाम जो सर्विसेज आप देने वाले हैं या आपके पास स्किल्स हैं उनको उनको भी आप यहाँ पे बता सकते हो अपनी आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बात कर सकते हो ठीक है अपने बारे में आपने बताना है कि आप कौन हो ठीक है ताकि अगर कोई क्लाइंट आपके बारे में जानना चाहता है तो आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन को वो पढ़े आके उसके बाद इसकी लैंग्वेज है स्किल्स हैं ये हम जब प्रोफाइल बनाएंगे तो ये उस वक्त हम पुट करते जाएंगे और ये वाले अकाउंट आपने अपने तैयार करने हैं फेसबुक ट्विटर और अगर अगर है अगर आपके पास तो इन अकाउंट को भी आपने प्रोफेशनली बिल्ड करना है ठीक है आ, बिल्कुल अपनी तस्वीर लगानी है और वहां पे आपने अः क्या है प्रिंसेस और प्रिंस सलमान और पापा की जो परी वो इस तरह के नाम यूज नहीं करने अपना जो रियल नेम है वो आपने यूज करना है ठीक है ये लाइने ना लगाओ भाई ठीक है ये भी आपकी समझ लें एक तरह से असाइनमेंट का हिस्सा है अब ये भी आपने पुट करना ठीक है उसके बाद स्किल्स हम आ, बाद में जब प्रोफाइल बनाएंगे तो ये खुद ही ऐड करेंगे हम बाद में अभी फिलहाल इनको छोड़ दें प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिखनी है प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन और अपनी आ, अपना जो आ, ये जो स्लोगन है ये जो आपका ये, ये आपने बनाना है ठीक है एक लाइन आपने बनानी है जो इंप्रेसिव हो और इनको फिर उसके लिए आइडिया कहां से लेना है आपने डिफरेंट जो फ्री हैं उनके प्रोफाइल्स पे जाके चीज चेक करनी है आ, क्लियर है कमेंट में बता दें ये बात समझ आ गई आपको जी जो पहले सबमिट हुई है वो सबमिट हो गई है मजीद सबमिट होगी दोबारा सबमिट होगी ये असाइनमेंट रोज सबमिट हुआ करेगी इस तरह की उसी में प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन उसी में यहाँ पे नीचे जैसे ये अभी है तो इसी के नीचे यहाँ पे जाएं और एंड पे जाके आप अपना एंटर करें हेडिंग दे, दे दें और प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन भी लिख लें ये एक तरह से रफ अमल है ना आपका ये पेज जो है रफ अमल है यहां जब तैयार हो जाएगी आपकी सारी चीजें ठीक है अब ये देखें इस, इस तक मेरी भी एक्सेस है इस पेज तक टीएस की भी एक्सेस होगी ठीक है तो ये जब बिल्कुल ओके okay हो जाएगा तो तब इसको हम पब्लिश करना शुरू कर देंगे ठीक है जी कोमल आप बात कर सकती हैं आप जी सर कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह कोमल आप आप ठीक हैं जी शुक्रिया ठीक हूँ सर अगर आप मेरी असाइनमेंट ओपन कर लें ताकि मैं उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है आपकी असाइनमेंट ओपन करूं जी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है नीचे होगी कोमल नया आपके नाम से बस ये आपने धोखे से अब अप, माइक ऑन किया और हमें आप जो है वो ओपन करवा रही हैं हम प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन पे डन कर चुके थे चलें बताइए जी सर यहाँ जो है मैंने पोइट्री रिलेटेड बनाई है तो मैंने डिस्क्रिप्शन का स्टार्ट भी पोइट्री के फॉर्म में लिया है और एक जगह मुझे कंफ्यूजन थी कि ये पोइट्री तो आपकी तो अपनी है जी सर ओके okay. आँ.

ओनली थिंग यू कैन विन heart विद ठीक hmm. है सही है वैसे आप जो है वो उधर lifestyle वाले में चले जाएं वहां पे कुछ फ्री जो हैं वो मशवरे दे रहे होते हैं रिलेशनशिप hmm. के मशवरे दे रहे होते हैं और साइकोलॉजिकल इश्यूज को देख रहे होते हैं तो वहां पे भी आप अपना जो है वो गिग बना सकती हैं वो उनको जरा देखिएगा hmm. सर uh, ये उसमें डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड्स का यूज करना है जी डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स का यूज करना है वो वो बिल्कुल प्लेस करेंगे हम मैंने अभी बताया है वो uh, कीवर्ड्स को आप प्लेस करेंगी। और कितनी टाइम्स करना है यानी एक बार दो बार एक कीवर्ड तो को एक दफा इस्तेमाल करें और चार दो तीन कीवर्ड्स को ही इस्तेमाल करें जो ज्यादा जिन पे लो कंपटीशन को एक 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 दो लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को ले लें और एक दो हाई कंपटीशन वाले को ले लें और तीन चार की को प्लेस कर दें काफी होता है ठीक है सही है सर सर थैंक यू सो मच वेलकम वेलकम वेलकम। जी। कोमल को मैं म्यूट कर रहा हूं और अभी मैं अनम्यूट करूंगा हाँ 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 वसीम जावेद आप अनम्यूट हैं वालेकुम वा अस्सलाम वसीम साहब कैसे हैं कैसे हैं सर वो बात नहीं भी तो उसी बात को थोड़ा तो डिस्कस कर रहा था वो फादर के अकाउंट के हवाले से तो दो दफा तो सर बनाया हुआ था वो दो दफा वसीम आपकी आवाज जो है वो मुझे समझ नहीं आ रही है। आप दोबारा बात कीजिए अभी आ रही है सर जी जी अब आ रही है अच्छा सर वो कल भी बात हुई थी लेकिन वो डिस्कनेक्ट हुई थी फिर आडियो ना तो सर अच्छा। वो फाइबर के अकाउंट के बारे में बात करनी थी आपसे कि दो दफा सर बनवाया दो दफा ही सर वो सस्पेंड हो हो गए ठीक है जी जी तो अभी सर ये दफा बनाने के लिए जो है ना वो ईमेल यानी दोबारा क्रिएट करनी तो पड़ेगी पड़ेगी नहीं नहीं, नहीं 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 कोशिश कर देखो मुझे हाँ, लगता है कि दोबारा आपका सस्पेंड हो जाएगा क्योंकि आपका आईपी जो है वो ब्लैक लिस्ट हुआ होगा अच्छा कोशिश करो तो, एक काम करो विंडो शिंडो दोबारा कर लो कंप्यूटर दोबारा आप अपना जो है सारा साफ सुफ कर लो उसके बाद नया ईमेल बनाओ और नई सारे क्रीडेंशियल फोन नंबर ईमेल हर चीज नई लेके ना फिर उससे कोशिश करो और देखते हैं कि ये भी बैन होता है या नहीं होता अच्छा 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 दूसरा सर मैं ये कि मैं तकरीबन कोई दो महीने से ना ओ अमेजोन पे जो है ना काम कर रहा हूँ आर्टिकल लिखवा रहा हूँ ना लेकिन फाइवर पे अकाउंट वगैरह कुछ भी नहीं वो एक कजन है उसके साथ सिर्फ लग लगा होता हूँ ना

उस पे आप अपने आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं सब लोग ठीक है जी 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 ठीक है सर और ये दो जी दिन है सर... आपके पास सैटरडे संडे दो दिन है तो दो दिनों में आपने यही काम करने हैं बैठ के इनशाला बारह बजे टेस्ट है तो उसी के लिए भी चले जाना है तो असाइनमेंट वापस आऊंगा तो सबमिट कर म्यूट कर दीजिएगा अपने आप को ठीक है सर जी आ, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ जहरा महक आपको हेलो सर असला जी वालेकुम अस्सलाम सर मैंने पूछना था कि ये जो डिस्क्रिप्शन जब हम प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं और वो जो हम लिखेंगे गिग लिखेंगे आपने कहा था सेवन गिग्स हम बना सकते हैं

जो चीजें समझ आएंगे वो फिर आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे नहीं सर तो मेरा कहने का मतलब था तो हम सिर्फ डिस्क्रिप्शन के अंदर सिर्फ अपने बारे में लिखें और किसी गिग्स के बारे में ना लिखें मतलब हाँ जी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन का तो मकसद यही है ना आप अपने बारे में लिखेंगे तो सर उसमें जब हम स्किल शो करेंगे अपनी स्किल के बारे में भी तो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे ना हां जी बिल्कुल लिख सकते हैं लिखेंगे आप

जी तलहा तलाल खोखर अनम्यूट हैं आप तलाल खोखर बात कीजिए आप अनम्यूट हैं खुद भी आपको क्लिक करना पड़ेगा ना मैंने तो आपको आस्क टू अनम्यूट कर दिया आपको खुद अनम्यूट होना पड़ेगा अच्छा जी तलाल साहब नाराज हैं खुद अनम्यूट नहीं हो रहे इनको बात करने का इनका दिल नहीं चाह रहा अभी फिर हफसा, हफसा महनूर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ हेलो सर अस्सलाम मैं, सर मैं, Hello, uh, sir, मुझे ये पूछना था इंजीनियरिंग uh, उससे तो मुझे इससे काफी रिलेटेड सर्विसेज मिली हैं जैसे वेबसाइट वगैरह की मैंने काम किया हुआ है और मैं इसी पे चाह रही हूँ कि इस पे ही ज्यादा काम अभी आगे फाइबर पे करूँ और आर्टिकल राइटिंग वगैरह भी मैं चाह रही हूँ कि इसमें इंक्लूड हो

कोई एक्सपर्ट uh, हो जो आप मुझे गाइड कर सके तो मैं हाँ से उसको डेवलप पोर्टफोलियो आप खुद अपनी कोई बना लें चीजें वेबसाइट्स बना लें या वहाँ पे पोर्टफोलियो में आपको क्या दिखाना होता है आपको वेबसाइट दिखानी होती है बनी हुई जी सर अपना जो प्रीवियस वर्क होता है वही सब बताना होता है अच्छा तो एक्सपर्ट की आपको क्या हेल्प uh, चाहिए एक्सपर्ट क्या करेगा आपके लिए मुझे ये इनलब, आ, मैं तो बना लूंगी लेकिन थोड़ा एक एक, किस तरह चीजें लेके चलनी है और ये तो इस से मुझे... मुझे दिखा दीजिएगा मैं देख लूंगा आपको आप जो चीजें डिजाइन करोगे जो भी आप बनाओगे वो मुझे दिखा लीजिएगा मैं आपको बता दूंगा कि वो ठीक है या गलत है मजीद आप है, मुझे जब दिखाएंगे तो मैं अपनी टीम से उसको मशवरा भी कर लूंगा अपनी टीम को भी चेक करवा लूंगा जिसमे डिवेल्पर भी है और सारे लोग हैं तो उनको मैं दिखा लूंगा अगर कोई गलती हो के तो आपको फिर गाइड कर देंगे हम लोग ठीक है सर सर मैं आपको इनबॉक्स कर दूंगी और सर मुझे अपनी का चेक करवानी थी आप अभी चेक कर लेंगे अभी तो नहीं चेक करूंगा अभी काफी सारे लोगों ने हैंड रेज किए हैं मुझे आप इनबॉक्स में यही डॉक्यूमेंट भेजिएगा मैं देख लूंगा वैसे अभी नहीं देखूंगा शाम को मुझे आप भेजेंगे शाम को मैं देखूंगा ठीक है ओके सर थैंक यू वेलकम जी मोहम्मद से आप ही सामने आ गए हो इनके नीचे आपका ही नंबर था आपकी कैसे मिजाज सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र क्वेश्चन थे सबसे पहले तो मेरे क्वेश्चन फाइवर के हवाले से था मैं लिंक्डइन पे भी हूँ और मैं दूसरी प्रोफेशनल्स पे भी देख रहा हूँ तो अक्सर लोग जिसके हवाले से कमेंट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें तो इसके रीजन क्या क्या है किन किन चीजों से बंदा तो सबसे बड़ी, रीजन, सबसे बड़ी रीजन तो ये है कि आप एक ही अकाउंट से दो प्रोफाइल ओपन या बनाने की कोशिश करो ठीक है दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि आप अपने क्लाइंट के साथ जो है वो डायरेक्ट होने की कोशिश करो Got it. तो ये बेसिक जो रूल हैं ये दो रूल जो हैं इनको नहीं आपने इन चीजों को जो है वो नहीं छेड़ना बाकी आ, तो कोई इशू नहीं है और तीसरा ये है कि किसी क्लाइंट का आप काम सही से ना करो और वो डिस हो जाए वो आपको डाउन रेट वो तो रेटिंग में डाउन करेगा वो बैन करने में तो नहीं लेके जाता आपको वो तो आपकी रेटिंग डाउन कर देता है या आपको नहीं होने देता, उसका जो अगर आपको, और तीसरा नहीं। जो है जो की अगर मैं बात करूं, का तो ये दो चीजें वायलेशन जो बड़ी वायलेशन है वो यही है कि एक तो आप अकाउंट मल्टीपल अकाउंट के साथ जाओ और दूसरा आप अः क्या करो अः क्लाइंट के साथ डायरेक्ट होने की कोशिश करो ठीक है मेजर वायलेशन तो लेकिन ले दो मेजर वायोलेशन है और जो रैंकिंग की बातें हैं उसमें तो फिर बहुत सी चीजें आ जाती हैं कि आपका टाइम जो है रिस्पॉन्डिंग टाइम आपका अच्छा होना चाहिए आपको मैसेज जैसे ही आया आप फौरी तौर पे फर्स्ट रिस्पांस क्लाइंट को जो है वो फौरी होना चाहिए ठीक है और दूसरे और उसके अलावा आपका जो है वो रेटिंग अच्छी होनी चाहिए आपको जो क्लाइंट जा रहे हैं आपसे आप काम करवा रहे हैं वो आपसे खुश होने चाहिए ये चीजें फिर रेटिंग और रैंकिंग की तरफ चली जाती हैं जो बैन होने का जो मामला सही है ब्लैक लिस्ट होने का मामला है वो इन्हीं दो चीजों पे है कि आप या तो क्लाइंट से डायरेक्ट हो रहे हैं और या फिर आपने मल्टीपल अकाउंट यूज किए तो जैसे मेरा दोस्त था उनका तकरीबन उसपे चला गया था रैंकिंग थी उसकी और वो में का इंटेलिजेंस और डेटा साइंस मतलब है वो Artificial Intelligence और है तो मेरा दोस्त था उसने तकरीबन फाइव बैंड लेवल टू पे चला गया mm -hmm. और उसकी मंथली जो इनकम थी वो तकरीबन तकरीबन उसकी थी तकरीबन सिक्स हंड्रेड टू से उसकी मंथली इनकम पहुंच गई थी पिछली बार की लेकिन अब अचानक से उसका अकाउंट ब्लॉक हो गया तो मैं तो सबसे सब पहले ये जानना चाह रहा था नंबर सेकंड सर मेरे क्वेश्चन ये था कि फॉर uh, एग्जांपल मैं डेटा साइंस से मेन जो मेरा फील्ड है वो डेटा साइंस है अब मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट रखता हूँ रिज्यूम राइटिंग भी साथ में रख देता हूं थोड़ा सा अपनी मेन फील्ड से हटकर एक डिफरेंट फील्ड की तरफ जाता हूं तो ये मतलब डिफरेंस बहुत आ गया एक तरफ डेटा साइंस अगर आपकी स्किल इतनी ज्यादा स्पेसिफिक है ना आ, सब लोगों को मैं ये कहूंगा कि आपकी कोई स्किल है और बड़ी स्पेसिफिक स्किल है तो फिर आप खिचड़ी ना पकाओ फिर आप एक ही स्किल के ऊपर रहो तो ज्यादा बेहतर है जी सर उसी उसी से से रिलेटेड जो रिलेटेड ही रखो तो वो ज्यादा बेहतर है ये ये जो जो मल्टीपल स्किल्स में आपको बताता हूँ सीवी बनानी है या रिज्यूम बनाना है ये तो उन लोगों के लिए है जिनको कुछ नहीं जिनके पास अभी कुछ भी स्किल नहीं है ठीक है ठीक है जो कुछ सही नहीं सही कर सकते वो ये काम कर लें सही सर और मैं यह सर यहाँ पे भी कहना चाहूंगा रिलेटेड कोई है जो डेटा से जो मेरे साथ कोऑर्डिनेशन करना चाह रहे मतलब ये है कि एक बड़ा काम नहीं किया हुआ बिल्कुल नया नया है और अभी तकरीबन दो तीन साल हो गए इस फील्ड को अभी भी आया है तो अगर यहाँ पे कोई है और मेरे साथ कोऑर्डिनेशन करना चाह रहे और आगे चलकर प्रोजेक्ट वगैरह लेना चाह रहे तो विल बी गुड फॉर अस और जरूर

Working like a service center. मैं उनके साथ काम करता हूँ कि पूरी नाइट शिफ्ट करके सुबह में आता हूँ मैं नहीं सोता दस बजे मेरी क्लास शुरू हो जाती है तो तो बहुत बार तक... तो तो... Yes, अच्छा, मैं, going... मैं अपनी गोल्स की तरफ जा रहा हूँ बहुत सारी चेंजेस देख रहा हूँ थोड़ा सा ख्याल रखे

सिर्फ फ्री लांसिंग ही ना करो क्योंकि आप डिपेंड कर रहे होते हो फ्री लांसिंग प्लेटफॉर्म कोई क्लाइंट भी अगर कभी कल को आके आपके आ, आपको डाउन रेड कर देता है या कोई डिस्प्यूट क्रिएट कर देता तो आपका अकाउंट गया ठीक है तो इसीलिए ब्लॉगिंग का मैं बात करता हूं अपना बिजनेस जो है वो ब्लॉगिंग है अपनी वेबसाइट आपने राइटिंग करनी है तो आप अपने ब्लॉग के लिए करो ठीक है क्लाइंट के लिए भी करो राइटिंग लेकिन आप अपने ब्लॉग के लिए भी करो किसी ऐसी टीम के साथ जुड़ जाओ जो ब्लॉगिंग कर रही हो जो ब्लॉग बना रहे हो ठीक है तो ये ये असल अपना बिजनेस जो है ना वो ये है कि आप ब्लॉग बना देते हो सपोज आप क्लाइंट के लिए आप एक आर्टिकल लिखते हो ठीक है बेस्ट आ, एल सी डीज के ऊपर एलईडी के ऊपर बेस्ट मोबाइल के ऊपर आप आर्टिकल लिख के दे देते हो आपको वक्ती तौर पर वह हजार रुपया दे, दे देगा हजार वर्ड का दो हजार रुपया दे, दे, दे देगा दो हजार वर्ड का चार हजार दे देगा दे 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 आपको हजार वर्ड का ठीक है वो आपका एक टाइम में आपने आर्टिकल लिख दिया और पैसे लेके आपने खा लिए अगर आपका अपना सोचो ब्लॉग हो उस मामले पे ठीक है आपका अपना ब्लॉग हो या आपके दो तीन जो टीम मेंबर्स हैं जो उसमें डेवलपर भी है एक ऐसे एक्सपर्ट है आप कंटेंट राइटर के तौर पे उस टीम के साथ इंक्लूड हो और आपका अपना ब्लॉग है तो वो आर्टिकल जब तक रैंक रहेगा और जितना वो रेवेन्यू लेके आता रहेगा रेवेन्यू जनरेट करता रहेगा तब तक वो ब्लॉग जो आपने आर्टिकल लिख के दिया है वो आपको तब तक जो है वो रोजी प्रोवाइड करता रहेगा रिस्क प्रोवाइड करता रहेगा समझ आ रही है मैं ब्लॉगिंग सिखाऊंगा ना आपको भाई तो जब आप फ्री लांसिंग करो ना तो साथ ही साथ आप ब्लॉगिंग अगर आप यूट्यूबर हैं आप फ्री लांसर हैं आप जनाब डिवेल्पर हैं आप कंटेंट राइटर हैं आप ग्राफिक डिजाइनर हैं आप जो भी हैं आप ब्लॉगिंग जरूर करो साथ अपना बिजनेस जरूर साथ खड़ा करो ठीक है वो ये होगा कि स्टार्ट में वो यकमुश्त आपको आर्टिकल के पैसे तो नहीं मिलेंगे ठीक है लेकिन यह है कि वो वो आप आप पब्लिश होगा उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज किया जाएगा उसके बाद उसको जो है वो उसके उसको रैंक किया जाएगा फिर उसको मोनिटाइज किया जाएगा ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा ठीक है तो जब वो मोनिटाइज होगा रैंक होगा जब तक वो रैंक रहेगा और वो वेबसाइट चलती रहेगी वो आपको अर्निंग देती रहेगी ठीक है तो ये होता है फाइनेंशियल uh, फ्रीडम अब देखें मैं बैठा हूं मेरे ब्लॉग जो हैं वो रैंक हैं और वहां से रेवेन्यू मुझे मिल रहा है तो ये ये फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आपने जरूर कोशिश करनी है जो आपका जो अजाफी टाइम है ना आपने समझ लें अगर आप फ्री लांसिंग कर रहे हैं तो आपने साइड के तौर पे अपना कुछ ना कुछ एफर्ट जो है वो ब्लॉगिंग की तरफ जरूर लगानी है उसमें ये होगा कि आपकी समझ लें एक तरह से वो पेंशन प्लान हो जाएगा आपका आपका पेंशन प्लान हो जाएगा छह महीने बाद साल बाद वो आपको रेवेन्यू देना शुरू करेगा और फिर जब तक वो रैंक रहेगा फिर आपको ऐसा चस्का उसका लगेगा ऐसा टेस्ट आएगा कि आप कहोगे कि मैं फ्री लांसिंग भी छोड़ दूं मैं सारा कुछ छोड़ दूं मैं सिर्फ ब्लॉगिंग की तरफ चला जाऊं ठीक है इसी तरह से YouTube है YouTube पे भी आप वीडियोस डालते जाते हैं और जब तक वो वीडियोस पड़ी रहेंगी आपको रेवेन्यू देती रहेंगी ठीक है तो जब आप फ्री करें आर्टिकल राइटिंग करें या जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करें साथ ही साथ आप ब्लॉगिंग जरूर करनी है आप लोगों ने और ब्लॉगिंग पे मैं काफी सारा टाइम आपके साथ लगाऊंगा इनशाला सर आई है पेपर ऑन मंडे एंड ट्यूजडे सो काइंडली शन kindly, kindly आप email कर दें ई मेल जरूर कीजिएगा आपको ई मेल जो है वो मैं आप कहा से मैं, मैं कोशिश करता हूँ कि ई मेल ना वहां पर पुट कर दिए जाए ग्रुप के अंदर या फिर अभी आ, आप नाइला सियाल से बात कर लें मैसेज कर दें उनको और या फिर कंबर को इनबॉक्स कर दें ठीक है या फिर आप जो है Uh, मामून को कर दें उनसे आप ईमेल ले लें वो आपको प्रोवाइड कर देंगे ठीक है सर प्लीज चले जी अब हम ऑन कर रहे हैं माइक इम्तियाज साहब का इम्तियाज साहब आप अनम्यूट हैं वालेकुम अस्सलाम, वाले वाले जी इम्तियाज कैसे हैं आप कैसे हैं आप ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर uh, मैं मुजफ्फरबाद से बात कर रहा हूँ सर uh, वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं तो सर पोर्टफोलियो uh, के बारे में कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता दें जी जी पोर्टफोलियो के बारे में क्या पूछना चाहते हैं पोर्टफोलियो होता है जो प्रीवियसली आपने काम किया हो क्लाइंट्स के लिए या आपने प्रोजेक्ट किए हो उनको आप दिखाते हो क्लाइंट को कि जी ये मेरा ऑलरेडी मैंने इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है इसको देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं कितना एक्सपर्ट हूँ फिर मुझे आप हायर कर लें तो ये होता है पोर्टफोलियो बेसिकली तो सर मैंने यूट्यूब से इससे पहले से पहले मैंने यूट्यूब पर देखा था तो वो कह रहे थे कि आप जो है ना जी अपने आर्टिकल्स के लिए हाँ तो जी, उसके लिए हम कोई कोई भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक तो 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 सर मेरा जो किचन, किचन गैजेट्स का मैंने आपको कहा तो हुआ असाइनमेंट भी हो जाएगी और आपका पोर्टफोलियो भी शुरू हो जाएगा बनना अगर आपका आर्टिकल जी 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 मैंने मास्टर किया हुआ केमिस्ट्री में तो मेरे लिए सूटेबल क्या हो सकता है टॉपिक सर इतनी चीजें डिस्कस हो रही हैं आप खुद आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी नीच आपके लिए सूटेबल है आप लिखना शुरू करो आपको आइडिया हो जाएगा खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कौन सा आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपने केमिस्ट्री में किया हुआ तो आप केमिस्ट्री में ही लिखना आपके लिए सूटेबल है आप और भी टॉपिक्स हैं जहाँ पे आप लिख सकते हो और भी बहुत सी फील्ड है जहा okay, ज्यादा इंटरेस्ट okay, है okay. वो भी okay, आपके sir, लिए सर एक और बात जी 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 बिल्कुल सर सर एक और बात जो हम आर्टिकल लिखेंगे तो उसमें हम आ, कोई पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं उनके लिए या जो उनकी डिमांड्स होगी उसके मुताबिक हमने फॉलो करना है रूल्स हाँ जी बिल्कुल क्लाइंट आपको खुद बताएगा कि पिक्चर ऐड करनी है नहीं करनी है आप खुद से ना पूछें बस आप उसको उसकी रिक्वायरमेंट पूछते जाए और उसके मुताबिक आपको काम डिलीवर कर दें ओके ओके सर एक और बात जो आपने जो हम क्लाइंट क्लाइंट के साथ, साथ निगोशियशन करेंगे ठीक है तो वहां अगर क्लाइंट हमारे साथ कोई वर्ड्स वर्ड्स यूज करता है इंसल्टिंग तो हम के हमारे लिए क्या ऑप्शन होगा फिर भाई मुझे ये बताओ कि क्लाइंट की आपके साथ पहले तो दुश्मनी अगर कोई खानदानी दुश्मनी चली आ रही हो तो फिर तो ऐसा मुमकिन है कोई आपका कोई जमीनों का मसला हो क्लाइंट के साथ कोई बन्ना सांझा पंजाबी में हम कहते हैं बन्ना सांझा हो या फिर वो क्लाइंट इंडियन हो तो समझ आती है कि इंडिया का क्लाइंट है और वो पाकिस्तानी समझते हुए आपके साथ कुछ इस तरह का मिसबिहेव तो ऐसी सूरत में आप उसको इग्नोर करेंगे आप उसके साथ लड़ने नहीं बैठोगे ठीक है अगर ऐसी सूरत आ जाती है इतफाक से अगर आ जाती है आपके साथ तो फिर फिर उसके लिए मैं कहूंगा कि बस आप खामोश हो जाए तो ज्यादा बेहतर है खामोशी जो है वो बेहतरीन हल होता है इस तरह के मामला में

आप आएंगे सर ओ बहुत दफा भाई बहुत दफा ओ, सर नेक्स्ट जरूर सर चले जी नेक्स्ट आएंगे बड़ी जल्दी आएंगे आपके पास सर, मैं आपको इनबॉक्स में बस कोई नहीं करेगा भाई आप असल में नीलम में हो तो लड़ाइया इंडियन से आपकी गोला बारूद इसीलिए आप कह रहे हैं इस तरह करेंगे नहीं करेंगे भाई <laughs> नहीं सर मैं मुजफ्फराबाद में हूँ तो बेसिकली नीलम से मुलाकात चलें 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 वेलकम ओके सर थैंक यू ओके जी ओके okay. हाँ जी अब्दुल रऊफ आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जी नई असाइनमेंट के लिए नया लिंक दिया जाएगा फाइल यही होगी डॉक्यूमेंट गिग के लिए इसी को रिफाइन करेंगे और दोबारा से सबमिट करवा देंगे आ, बस वो सबमिशन दोबारा से हो जाएगी फाइल यही होगी आपकी अ अच्छा। जौन के वालेकुम अस्सलाम रऊफ कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। आपके कैसे हैं अल्लाह का शुक्र रऊफ आपकी आवाज जो है इको हो रही है आ, हमें ना लाउड बड़ी अजीब सी वो फीलिंग आ रही है आपको समझ नहीं आ रही बात आप जो कर रहे हैं हाँ कुछ कुछ ठीक है आप बताइए अच्छा सर मैं कुछ क्लासेस के हवाले से हैं सर मैं तो, सर जो खुद सर मार्केटिंग में जॉब करता हूँ साथ में मैं पीजी भी कर सकता हूँ सर पीजी का स्टूडेंट को फॉर्म भी नहीं समझ आ रही रहो बिल्कुल समझ नहीं आ रही, आ रही आपकी सर, जो है ए, ना मुझे एक दे दे एक अब ठीक है अब वालेकुम अस्सलाम अब ठीक है रऊफ़ आप बताइए ठीक है सर ठीक है सर मैं क्लासेस के हवाले से मैं बता रहा था कि आ, मैं सर पीएचडी का स्टूडेंट ऑफ तो फार्मेसी में पीएचडी कर रहा हूँ सर ठीक है तो तो सर मैं क्लासेस का तो मेरी भरपूर कोशिश यही होती है कि मैं लाइव अटेंड करूं और करने की कोशिश भी करता हूं लेकिन बीच में सर चूंकि मैं जहाँ पे आ, या मैं पढ़ता हूँ या जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहां पे कनेक्टिविटी का इशू कभी रऊफ आप कोशिश करते हैं अब आपको करना पड़ेगा लाइव क्लास ही लेनी पड़ेगी अब आपको अब जो रूल बन गया है ना लाइव क्लास ही लेनी पड़ेगी आपको मजबूरी है ये तो अब ठीक है सर बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ बीच बीच में सर मेरा मतलब सर कनेक्शन लॉस होता है फिर मैं ये एंटर होता तो कोई मसला नहीं कोई मसला नहीं है आप बस अपनी कोशिश पूरी रखें बाकी अल्लाह ताला बेहतरी करेंगे आ, मतलब इससे तो मतलब वो नहीं बैठे हैं तो कोई मसला नहीं आपकी अटेंडेंस हो ही जाएगी तब आप परसेंटेज पे गौर ना करें बस आप अः अपनी अब देखें ना परसेंटेज को ना तो आप बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं अगर आप डिस्कोनेक्ट हो रहे हैं बार बार तो ये चीज आपके बस में नहीं है जो चीज आपके बस में है आप बस उसको पूरा कीजिए ठीक है थैंक यू सर और सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि सर असाइनमेंट के हवाले मैं पूछ रहा था जिस तरह सर ये जी के हवाले से आपने असाइनमेंट दी, दी तो sir, deadline, sir, थी सर तो इसमें सर सर कुछ ही दिन होती है कि नहीं दो तीन दिन तक आप आप कर सकते हैं सर बस कल परसों दो दिन है छुट्टी है इसमें करें और जो के काम तो आपने करना है ना अब हम यहाँ पे चेक करेंगे उसको और उसको फिर रिफाइन करेंगे इनशाला से तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी जितना पॉसिबल हो सके Thank you, sir. Exactly, sir. मेरा भी था कि हफ्ते होता है तो फिल्ग उसमें फिल्ग बंदा फिल्ग. सारा करके वो कर सकते sir. चालें जी, चालें आप कीजिए फिर हम so अस्सलाम हाँ जी आमना आ, वारसी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ वालेकुम अस्सलाम जी आमना कैसी हैं आप मैं ठीक हूँ सर आप कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी आमना बताइए सर मुझे एक तो ये चीज पूछनी थी कि आपने कहा था आर्टिकल राइटिंग में आप इमेज एंड और सिटेशन का तरीका भी सिखाएंगे ये कंप्लीट हो गया टॉपिक आर्टिकल राइटिंग में आर्टिकल राइटिंग में बहुत सी चीजें आएंगी आगे जब हम ब्लॉग पोस्ट करेंगे जब हम हम ब्लॉगिंग को शुरू करेंगे ना ऑन पेज ऑफ एस सी ओ को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सी चीजें क्लियर होती जाएंगी आपकी अभी फिलहाल जो आर्टिकल राइटिंग क्लाइंट के लिए करनी है वो तो काफी है उस, उसमें तो आप इजिल कर सकते हो ये चीजें लेकिन जब आप ब्लॉगिंग की तरफ जाओगे ब्लॉगिंग पढ़ोगे तो फिर आप काफी सारी चीजें पढ़ोगे की वर्ड प्लेसमेंट टाइटल सारी चीजें आ जाएंगी फिर इनशाला ये जैसे है या ये है और ये आपने कहा था आप एक और असाइनमेंट लेंगे लेकिन आपने क्वेश्चन आंसर शुरू कर दिया तो मैंने आपको इनबॉक्स कर दिया आप काइंडली चेक कर दीजिएगा क्योंकि जो मैं, मैंने पिक्चर बनाई थी फाइवर की वो भी अभी चेक नहीं हुई है तो मैंने मैं चेक करूंगा और शाम में करूंगा मैं सारे इनबॉक्सेस को ओपन करूंगा शाम में और अगर किसी ने पहले से इनबॉक्स कर रखे हैं, हैं वो शाम में मैं को टाइम निकालूंगा उसमें और और जो ऑलरेडी कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं फाइबर पे वो तो बहुत अच्छे तो हम अगर गिग भी बहुत अच्छी बनाते हैं उसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह भी बहुत अच्छी डालते हैं तो हमारे पास प्रोजेक्ट्स भी तो उसी लेवल के आएंगे उन्हें आउटपुट उस लेवल का दे पाएंगे नहीं तो फिर बिल्कुल, वो दे पे बिल्कुल नहीं आप दे पाएंगे बिल्कुल दे पाएंगे और हमेशा ये बात याद रखा करें कि टॉप इज ऑलवेज करेंट ठीक है तो आपकी जगह खाली है आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप टॉप पे आ जाएंगे ठीक है अः ये सवाल जहन में आता है कि जी जो ऑलरेडी जो ऑलरेडी टॉप पे हैं उनकी जगह हम कैसे आएंगे या उनको हम किस तरह से डी रैंक करेंगे तो इसकी मिसाल बड़े बड़े जो हैं बुर्ज जो है वो उलट जाते हैं फेस गूगल इतना बड़ा था जब गूगल आ गया था जब याहू आया था आ, मैं आपको आ, अगर आप उस वक्त थे शायद याहू जब आया था तो अः ये दो हजार उन्नीस सौ निन्यानवे अठानवे की बातें हैं 2000 की बातें हैं तो तब तक तब लगता था कि इससे बड़ी भी कोई चीज आ जाएगी गूगल आ गया तो जब गूगल आ गया तो फिर ये फील होता था कि इससे भी बड़ी कोई साइट आएगी या इससे भी बड़ा कोई ऐसी जगह आएगी जहां पे फेसबुक आ गई ठीक है फेसबुक यूट्यूब तो ये एग्जांपल्स हैं आपके सामने तो चीजें जो हैं टॉप हमेशा खाली होता है भाई आप उससे अच्छा आप उससे अनोखा काम करें तो आप आपकी जगह खाली है ऊपर ठीक है कोई भी आपके सामने नहीं टिकेगा अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे ये सबके लिए ये जो है वो मोटिवेशन है कि हम आपने कोशिश करनी है और आप आ जाओगे इंशाल्लाह सही और जो भी हमने गिग बनाई है उसमें जो हमारे स्किल्स हैं अगर हमारे बाकी स्किल्स उससे डिफरेंट हैं तो वो उसी गिग में ऐड होंगे या उसके लिए हमें दूसरी बनानी होगी गिग हर स्किल के लिए गिग गिग डिफरेंट बनेंगे आपकी सात स्किल्स आप वहां पे रख सकते हो ठीक है थैंक यू सर वेलकम जी आई थिंक सेशन को अब क्लोज कर देना चाहिए काफी सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं और असाइनमेंट आर्टिकल असाइनमेंट के लिए जो मैंने आपको टॉपिक दिए थे उन पे आपने अगर लिखा है और अगर नहीं लिखा लिख लीजिएगा ठीक है और आई uh, uh, हिरा हीरा से मेरी बात हो रही थी इन बॉक्स के अंदर हीरा आपको भी मैंने एक uh, दिया था असाइनमेंट आप उसको कंप्लीट कर लीजिए ठीक है और uh, सब लोग जो हैं अपना गिग uh, के ऊपर काम करें प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के ऊपर बात करें और फर्दर जो है आपने इमेज के ऊपर काम करना है ठीक है और इन जी मंडे को हम हमारी अब दोबारा मुलाकात होगी ठीक है तब तक के लिए खुदा हाफिज अपना ख्याल रखिएगा